जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार कैरियर क्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है, पीछे आपको थंबनेल भी नजर आ रहा होगा, मेरे बच्चे हम यूपी कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट कर चुके हैं, जिसका एग्जाम मेरे साथी 18 फरवरी को होना निश्चित हुआ है, क्लियर है। तो मैंने आपको यह बताया था कि भाई मैं टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, और टॉपिक बाई टॉपिक में 2009, 2018 और 2019 के एग्जाम के अंदर मेरे बच्चे जितने यूपी कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन बने थे, मैं ओवरऑल का डिस्कशन करूंगा एक बेहतरीन अप्रोच के साथ। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो मेरे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे बच्चे, कमेंट कर अवश्य बताएं कि ये चीजें आपको कैसी लग रही हैं। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024, मेरे बच्चे यूट्यूब के इतिहास में ये आपको पहली बार देखने को नजर आएगा कि भाई 18 टॉपिक 15 दिन के अंदर फिनिश। इसका मतलब मैं ये कह चुका हूं और ये कह रहा हूं आपसे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक बार मेरे बच्चे विश्वास कर इसे पढ़े, इससे बाहर कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा YouTube पर आने का मेन उद्देश्य, YouTube पर मैं पहले भी था, जैसे आपको पता भी होगा जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं, वाईफाई स्टडी अनअकैडमी पर मेरे बच्चे मैंने वहां पर पढ़ाया था। उसके बाद में कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके कारण मेरे बच्चे हम ये आपके परिवार कैरियर क्राफ्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। आपका सपोर्ट चाहिए कंटेंट की, आप मेरे बच्चे 1% भी दिमाग के अंदर या फितूल पैदा मत करना कि यहां पर कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। यहां कंटेंट वो मिलेगा मेरे बच्चे जो और कहीं किसी जगह नहीं मिलेगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जो एग्जाम में आने वाला है वो मेरे बच्चे आपको मिलेगा, क्लियर है। तो हम यहां से मेरे भाई बार बार जो एग्जाम में जो मेरे बच्चे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, उनका मेरे बच्चे ओवरऑल में डिस्कशन करूंगा। ये परसेंटेज की क्लास है, 2 मिनट में मेरे बच्चे बेसिक पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो हमें काम की जरूरत है उसको मेरे बच्चे हम चर्चा करेंगे और आगे हम क्वेश्चन पर काम करेंगे, क्लियर है। ये एक टारगेट क्लास है, इसका मतलब परसेंटेज आपने यदि मेरे बच्चे यहां से पूरा किया है तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन मेरे साथी बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं, देखो आज जो हम बात करेंगे वो परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। वैसे परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे भाई चर्चा करने वाला, परंतु जो हमारी बातें होंगी वो पॉइंट टू पॉइंट होंगी, क्योंकि हम एग्जाम को टारगेट करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो बेसिक चीजें हैं 2-4 उनको जान लेते हैं, बाकी मेरे बच्चे हम क्वेश्चन में काम करेंगे। तो परसेंटेज का मतलब होता है मेरे बच्चे प्रतिशत। मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसमें क्या है, प्रतिशत का मतलब यह होता है मेरे बच्चे कि हम किसी भी चीज का कंपेयरिंग करें या तुलना करें तो वो अपने आप में मेरे बच्चे कितने परसेंट होती है, 100%। किसी भी चीज को हम यदि एनालिसिस करेंगे या किसी भी चीज को हम मान के चलेंगे, वो क्या होता है मेरे बच्चे परसेंटेज पे 100 पर हम निकालेंगे, तो इसका मतलब मैं ये कह देता हूं कि परसेंटेज में यदि मैं काउंट करूंगा तो मेरे बच्चे कितने का सिस्टम लेके चलेंगे, 100 का। परसेंटेज किस पर डिपेंड करेगा मेरे साथी, 100 पर। अब मेरी बात सुनना, हमें कुछ नहीं करना है। यदि मैं इस साइन की बात करूं तो आप कहोगे सर इस साइन का मतलब होता है 100, क्लियर है। यदि मेरे साथी ये साइन आपके सामने अकस्मात कभी आ जाए तो इसका मतलब होता है मेरे साथी 1000, 1000। यदि आपके सामने यदि ये कभी साइन आता है तो मेरे साथी ये किसके बराबर होता है, 10000 के बराबर। तो यहां से आप एक बात सीख गए होंगे कि ये परसेंटेज का साइन है तो मेरे बच्चे 100 से कंपेयरिंग करेंगे। यदि ये वाला साइन आपको नजर आ रहा है मेरे बच्चे, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी और उसके अंदर D2O भारी जल, बाहरी जल का जो कंपेयरिंग होता है मेरे बच्चे किस पर होता है, 1000 ग्राम पर। किस पर मेरे बच्चे, 1000 ग्राम पर। तो या फिर मैं ये कह सकता हूं 1000 लीटर। किसी को भी हम यदि मेरे बच्चे कंपेयरिंग करेंगे तो किस पर करेंगे, 1000 पर। ये वाला जो साइन है ये मेरे बच्चे यूज होता है ये 1 टन के लिए, किसके लिए, 1 टन के लिए। 1 टन में मेरे बच्चे 10 क्विंटल वजन होता है और 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलो। अब बात करने वाली सिर्फ एक बात यह है कि भाई आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना आना चाहिए। परसेंटेज को, या मैं ये कहूं मेरे बच्चे अर्थमेटिकल को यदि आपको कवर करना है तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू, यदि दो चीज आप जानते हो तो चीजों को मेरे बच्चे मैनेज कर ले जाओगे। जैसे मैंने ये कहा कि भाई ये तो है परसेंटेज, सपोज करो,
और ये मेरे बच्चे इसका कोई फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा। मेरी बात को गौर से सुनना, यदि आपको मेरे बच्चे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है तो कुछ नहीं करना, आपको 100 से भाग देना है। और यदि मेरे साथी आपको इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को यदि परसेंटेज बनाना है तो कितने से गुणा करना है मेरे साथी? 100 से। दो बात मेरे बच्चे महत्वपूर्ण है, यदि आपके पास कोई परसेंटेज वैल्यू है उसको चेंज करना है भिन्न में तो 100 से भाग लगेगा, और आपके पास में कोई भिन्न है और आपको मेरे साथी ये परसेंटेज वैल्यू में आपको कन्वर्ट करनी है तो 100 से क्या लगेगा, ऐसे मल्टीपल। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, एक होता है मेरे बच्चे इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है मेरे बच्चे वृद्धि, साइन ये रहेगा, और एक रहेगा मेरे बच्चे डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कमी। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि मैं तीर ऊपर लगाऊंगा तो समझना कि मेरे बच्चे वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या मैं कह दूंगा मेरे बच्चे लाभ हो रहा है। अब यदि बात इस साइन को यूज करूं मैं तो समझ लेना डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। क्या हो रहा है मेरे बच्चे? कमी हो रही है, या मैं ये कह सकता हूं ये डिक्रीज है। दो चीज आपको याद रखनी है। एक चीज और, जैसे मैंने ये कहा कि भाई ये कोई भिन्न है मेरे पास में ए अपॉन बी, तो आप जान रहे होंगे ये हर है और ये मेरे साथी क्या है? अंश। ये क्या है? हर। और ये क्या है? अंश। तो जो ये हर है ये तो मेरे बच्चे रियल नंबर, या मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे बच्चे वास्तविक संख्या होती है, ये रियल नंबर, या ये मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे कौन सी संख्या होती है? वास्तविक नंबर। और ये जो आपको मेरे बच्चे ऊपर नजर आ रहा है ये क्या होता है साथी? ये रिजल्ट होता है। ये क्या होता है? ये रिजल्ट। हर तो हमेशा मेरे बच्चे हर तो रहेगा रियल, और जो रिजल्ट है ये क्या रहेगा मेरे बच्चे? अंश रहेगा। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई 20% की प्रॉफिट, तो आप ये कहोगे सर प्रॉफिट का मतलब ये हो गया जी, या 20% इंक्रीज हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 1/5। तो ये जो आपको नजर आ रहा है हर, ये तो रियल नंबर है, इसका मतलब पहले का। और ये क्या है मेरे बच्चे? इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या है मेरे बच्चे? इसका रिजल्ट है। 5 का यदि 20% निकालेंगे ना, इस 5 का यदि 20% निकालेंगे तो मेरे साथी आपको एक ही मिलेगा। जैसे मैं ये कहूं आपसे एक बात कि भाई 25% के सिंपल इंटरेस्ट पर, तो मैं ये कहूं जैसे मेरे बच्चे 25% के सिंपल इंटरेस्ट पर इसको ब्याज मिलता है, तो आप ये कहोगे सर 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो आपको यह पता होगा मेरे साथी कि ब्याज किस पर मिलता है, इंटरेस्ट किस पर मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में मेरे बच्चे किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। तो यह तो प्रिंसिपल रहेगा, और यह रहेगा मेरे बच्चे क्या? सिंपल इंटरेस्ट। अब सपोज करो जैसे कोई बात यह आ जाती है कि भाई 30% बचाता है, या मैं यह कह दूं कि मेरे बच्चे 30% क्या करता है? यह खर्च एक्सपेंडिचर करता है। तो अब यदि आप इसका मेरे बच्चे फ्रैक्शन बनाओगे तो 30% का मतलब होता है 3/10। अब एक बात बताओ, खर्च या बचत किस पर डिपेंड होता है मेरे बच्चे? इनकम पर। खर्च और बचत किस पर डिपेंड होता है? इनकम पर। तो ये मेरे साथी इनकम रहेगा, और जिसका ये रेशियो है या जिसकी ये परसेंटेज है, खर्च की परसेंटेज है, तो ये क्या रहेगा मेरे बच्चे? एक्सपेंडिचर। इनकम में से खर्च को यदि माइनस कर दूंगा तो मेरे साथी क्या आ जाएगी? बचत, या फिर मैं इसको कहूंगा जी सेविंग। 10 में से 3 खर्च हो गया, कितना बचा? 7। तो आपको सिर्फ यही चीज पता होना चाहिए, इसके अलावा मेरे बच्चे ज्यादा चीज आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक क्लास एक दिन में खत्म, इसका मतलब जो जरूरत है उसको करेंगे, बाकी मेरे बच्चे इसी प्रकार हम बढ़ेंगे। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आगे चलते हैं मेरे साथी। देखो ये टेलीग्राम चैनल पर मेरे बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जितनी क्लासेस हैं, जितनी क्लासेस की PDF है, या मेरे बच्चे आपके एग्जाम से रखने वाली कोई भी चीज, ये यहां से मेरे बच्चे मैथ बाई डेविड सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके मेरे बच्चे एग्जाम में आए हुए जितने क्वेश्चन हैं अब हम बारी बारी से करेंगे, क्लास के अंदर बने रहना, और जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं या मेरे बच्चे बाद में देखेंगे, एक बार इसे पूरा देखना, परसेंट इसका काम खत्म। क्या कहा है इसने? इसने ये कहा है कि भाई 525 का 28% क्या है? मेरे बच्चे यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 के शिफ्ट में मेरे बच्चे ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सिंपल बातें हैं, पढ़ते हुए चलेंगे। इसने कहा है मेरे साथी 425 का मतलब हो गया गुणा कितने परसेंट? 28%। तो मैंने भी आपको एक बात ये बताया था कि भाई ये परसेंटेज है, किस में बनाना है? भिन्न में। तो इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो मेरे साथी किससे भाग दूंगा? 100 से। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, परसेंटेज से भिन्न बनाना और भिन्न से परसेंटेज बनाना। परसेंटेज से भिन्न बनाओगे 100 से भाग,
और भिन्न से परसेंटेज बनाओगे 100 से गुणा। तो अब यहां से यदि आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। देखो 25 चौका हो गई जी 100, क्लियर है? ये कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 25 एकन 25, 21 बार कट गया। अब मेरे साथी 4 से 28 कितने बार कटेगा, 7 बार, 7 चौक 28। अब आप इसमें गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे साथी, 147। ये कितना बन जाएगा, 147। 525 का 28% क्या होगा मेरे साथी, 147। ये इसका जवाब है। ये मेरे बच्चे पूछा गया है 2018 के सिप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो क्या कहा इसने, 65 का 120% क्या है, ये मेरे साथी पूछा गया है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में। यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में मेरे बच्चे पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 18-6-2 मेरे बच्चे 18 में सिर्फ नंबर 2 का पूछा गया सवाल है, सिंपल क्वेश्चन, क्या कहा है ये मेरे भाई, 65 का मतलब गुणा कितने परसेंट, 220% मेरे भाई, क्या है? तो मैंने बताया था परसेंटेज को हटाओगे, 100 से मेरे साथी भाग लगाओगे, सुनना मेरी बात को, 0 से 0 खत्म। मेरे साथी 2 से काटूंगा तो ये 5 बार कटेगा और 2 से काट दूंगा तो ये 11 बार कटेगा, क्लियर हो रही है बात? इस 5 से यदि मैं 65 को काटूंगा तो 13 बार, यदि 13 में 11 का गुणा करोगे तो मैंने बताया था कि कोई नंबर यदि 11 से यदि आपको मल्टीपल करना है तो कुछ नहीं करना, देखो ये 3, 3 में 1 को जोड़ा 4 और मेरे साथी ये 1 दे रखा है, क्या बनेगा मेरे भाई, 65 का 120% 143। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका परम सत्य आंसर है। ये मेरे साथी 2018 यूपी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, सबसे ऊपर विकल्प का चयन करें। इसने कहा है मेरे साथी 35 का 12%, 35 का 12% क्या होगा, यूपी कांस्टेबल मेरे साथी 18-6-2018 के अंदर शिफ्ट नंबर सेकंड में ये पूछा गया सवाल है। इसने क्या कहा है कि 35 का 12%, तो मेरे साथी ये कितना है, 35। 12% का मतलब हो गया साथी 12, परसेंटेज हटाओगे 100 से भाग दोगे, ये सिंपल बात है मेरे साथी, प्रत्येक मेरे प्यारे साथी को पता होना चाहिए ये बात। देखो 5 से काटोगे तो कितने बार कटेगा मेरे साथी, 5 से कट जाएगा ये 20 बार और 5 से कट जाएगा ये 7 बार। ये मेरे भाई 2 से कटेगा 10 बार और 2 से कटेगा 6 बार, क्लियर है? अब ये कितना हो गया, 7-8-56, कितना हो गया, 7-6-42, सॉरी ये बन गया जी 7-6-42। अब आप 10 से क्या करोगे भाग, 10 से भाग दोगे तो इसका जवाब बनेगा मेरे साथी कितना, 4.2। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और मेरे बच्चे इस क्लास को जो मैंने लगाया है ना सीक्वेंस में, आपको पता है मेरा तरीका यही है, सिंपल क्वेश्चन पहले, आगे बढ़ते हुए जाएंगे मेरे साथी लेवल अपने आप आपको दिखता हुआ जाएगा। और मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए या मेरे बच्चे पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जवाब बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। ये यूपी कांस्टेबल 26-6-2018 की मेरे साथी ये शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा। इसने क्या कहा है, क्या भाई किसी प्रवेश परीक्षा में, समझ में आ रही है, अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंक की आवश्यकता है। किसी मेरे बच्चे कोई परीक्षा हो रही है और उसमें उसे पास करने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए मेरे बच्चे, 72%। क्या चाहिए, 72% नंबर यदि वो ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक, मेरे भाई परीक्षा जो है ना वो कितने अंकों की है मेरे साथी, वो 650 अंकों की है। तो प्राप्त करने के लिए संदर्भ में मेरे बच्चे उसको कट ऑफ को पार करने के लिए या उसको पास करने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथी ये परीक्षा कितने नंबरों की थी, ये थी 650 नंबर की। कितने नंबर की परीक्षा थी, 650 की। अब मेरे भाई इसको पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए मेरे साथी, 72, 72% नंबर चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई 72 तो ये हो गए, आपको परसेंटेज को चेंज करना है किसमें मेरे बच्चे, फ्रैक्शन भिन्न में आप 100 से भाग लगाते हैं। अब यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो देखो 0 से तो जी देखो 0 खत्म कर दिया, ये 5 से गया ये 2 बार
और 5 से चला जाएगा 65-13 बार। क्लियर? अब यदि इसको मैं गुणा करूंगा, यहां से भाग दूंगा 72 में 2 का, तो ये कितने बार कटेगा मेरे बच्चे? 36 बार। अब आप यूनिट डिजिट का भी यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि 3 में 6 का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगी, 6 × 3 = 18। देखो इसमें मेरे भाई 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या हो जाएगा? सी। इसका जो जवाब बनेगा, इसको कितने नंबर चाहिए? इसको मेरे बच्चे 468 नंबर चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और मेरे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यह पता होना चाहिए कि भिन्न से परसेंटेज, परसेंट से भिन्न। मेरे बच्चे भयभीत नहीं होना है, जो कैरियर क्राफ्ट परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। मेरे भाई यूट्यूब पर इस बात को मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी पुलिस में यदि एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए ना, तो मेरा पढ़ाना बेकार और मेरे साथी आपका पढ़ना बेकार। भरोसा करो, जब आपको पता पड़ेगा कि डेविड सर ने आपको क्या पढ़ाया था, पूरी चीजें एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूं। और मेरे बच्चे, मैंने एसएससी जीडी को भी पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूं, यूपी पुलिस को भी पढ़ा रहा हूं, मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया है। बाकी की बकवास मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बकवास करने का मेरे साथी वक्त नहीं है। मैं स्टूडेंट को वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। तो विश्वास कर एक बार मेरे बच्चे इसको परखें और आपको पता पड़ जाएगा आपका रिजल्ट क्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। 25/10/2018 में मेरे साथी ये कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। इसने कहा है कि भाई 450 का 78%, तो मैंने बताया था परसेंटेज हटाना है, सिर्फ सिर्फ और कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, 100 से भाग लगा देना है। यह छोटी चीज है, आपको पता होना चाहिए। बन गई बात? देखो 0 से 0, 5 से 7 ही 2 बार जाएगा, और 5 से 1 कितने बार चला जाएगा? 9 बार। 39 ये कितना बन जाएगा मेरे साथी? ये बन गया जी 39, ये 39 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट डिजिट को देखूंगा 9 × 81 मेरे भाई, यहां पर यूनिट डिजिट 3, यहां पर 12, यहां पर 96। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या हो जाएगा? फर्स्ट, 39 में 9 से गुणा करूंगा तो इसका जवाब क्या बन जाएगा? 351। मेरे भाई 450 का 78% कितना होता है? 31। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। यह तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो यह यूपी कांस्टेबल 2009 की भर्ती में मेरे बच्चे पूछा गया सवाल है। सिंपल सिंपल आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो मेरे साथी लेवल अपने आप बढ़ता हुआ जाएगा। क्या कहा है इसने? यदि 75 का एक्स परसेंट कितना है मेरा साथी? 9। तो मैं यह कह सकता हूं, आपसे मेरी बात सुनना गौर से, मैं ये कहूं जी 75 का मतलब गुणा एक्स परसेंट, परसेंटेज को हटाओगे 100 से मेरे साथी भाग लगाओगे। क्लियर हुई बात है? कितनी वैल्यू दे रखी है? 9। अब यदि आप यहां से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे मेरे बच्चे सिंपल तरीका से, तो देखो आप ये कहोगे कि सर 25 से 75 3 बार, और 25 से मेरे भाई 100 4 बार। 25 से 100 कितने बार कट गया मेरे साथी? 4 बार। इधर देखना, ये 4 बार कट गया। अब 3 से मेरे भाई बराबर में काट सकते हैं, 3 हो गया, और x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 12। 75 का x परसेंट यदि मेरे भाई 9 है, तो x परसेंट की जो वैल्यू बनेगी वो मेरे साथी, x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 12%। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यूपी कांस्टेबल मेरे साथी, यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 के शिफ्ट नंबर 1 में यह पूछा गया सवाल है। इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है? किसी संख्या का 45%, अगर मेरे साथी कितना है? 135 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो मेरे साथी मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मेरे भाई उस संख्या का 100 का 45% कितना बनेगा? 45 बनेगा। 45% की जो वैल्यू है ना, किसी संख्या का 45% मेरे साथी कितना दे रखा है? 135। देखो मेरी बात सुनना, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि भाई किसी संख्या का यदि 45% निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरे साथी? 45% निकालूंगा तो 45 ही बनेगा। यह 45 की वैल्यू दे रखी है 135। मेरी बात गौर से सुनना,
अब देखो मैं यह कहना चाह रहा हूं 45 से यदि आप इसे काटोगे, 45 से यदि आप इसे काटोगे तो मेरे साथी ये कितने बार कटेगा? 3 बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 1% की जो वैल्यू है ना मेरे साथी वो कितना है? 3। संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। 1 को यदि 100 बनाओगे तो कितने से गुणा करोगे मेरे साथी? 100 से। अब 3 में यदि 100 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 300। ये छोटी सी बात आपसे मेरे बच्चे आपके एग्जाम में पूछी गई है। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे साथी सवाल का जवाब होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। तो धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो आपको मेरे बच्चे भ्रम में नहीं रहना है कि जी मैं बड़े बड़े सवाल लाऊं और आपको भयभीत करूं और मैं आपसे पब्लिक सिटी को लूटूं। मेरे भाई मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो बच्चा मुझ पर भरोसा करता है उस भरोसे को कायम रखना है, तो वो पढ़ाना पड़ेगा जो एग्जाम में आने वाली चीजें, और एग्जाम में आने वाली चीजों के लिए मेरे बच्चे मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट को सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, उन क्वेश्चनों को भी मेरे बच्चे उठाना पड़ता है जो एग्जाम में आए हुए हैं। क्लियर है? एक बुक से काम नहीं चलता, अनेकों बुक अनेकों पेपर से मेरे बच्चे बनाए हुए क्वेश्चन है ये। क्लियर है? ये रामबाण है मेरे बच्चे यूपी पुलिस के लिए, मैथ की 100% गारंटी वाला सौदा। अब देखो ये भी पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? यूपी कांस्टेबल 27/1/2019 के मेरे साथी शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने? कहा है 40 के वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, के 40% का 1/4 का मेरे बच्चे मान क्या होगा? मेरी बात सुनना और बात पसंद आए तो मेरे साथी क्लास को आगे शेयर करते रहना। 40 का स्क्वायर, तो 40 का क्या हो गया मेरे साथी? ये 40 का स्क्वायर का मतलब हो गया 40 कितने बार लिखा जाएगा? 2 बार। या 40 का स्क्वायर करके 1600 लिख सकते हैं। 40 के स्क्वायर के 40% 40% की जो मेरे साथी वैल्यू बनेगी, मैंने भी आपको फ्रैक्शन करना सिखाया कि मेरे भाई परसेंट इसको भिन्न में बदलना है, 100 से भाग दे दो, काटूंगा तो मेरे भाई 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 5 बार। 40% का मतलब होता है मेरे साथी 2/5। 5 का यदि 40% यदि 5 का 40% निकालूंगा ना तो मेरे साथी ये 2 आएगा, इसलिए मैंने रियल बोला और ऊपर क्या बोला? रिजल्ट। अब इसका 40% 40% का मतलब हो गया 2/5 का 1/4, 1/4 का मतलब हो गया मेरे बच्चे 1/4। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको पसंद आई होगी। मेरे साथी 18 टॉपिक है, 15 से 16 क्लास में खत्म कर दूंगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको और एग्जाम के अंदर बैठ जाना। मेरे बच्चे में इस बात का विश्वास दे सकता हूं कि 20 में से 18-19 के आसपास आप पहुंच जाओगे, क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर आने वाले मैथ की पूरी मेरे बच्चे में बाउंड्री खींच चुका हूं, लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है मेरे भाई। इससे बाहर कुछ नहीं, सिर्फ कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और मेरे बच्चे एग्जाम पास करो। आगे मैं यह कहना चाह रहा हूं इसको आप सॉल्व करें। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये कितना हो गया? 5 × 20। 20 से मेरे बच्चे 40 दो बार कटेगा। अब देखो 2 में यदि 40 का गुणा करूंगा 80, और 80 में यदि मेरे बच्चे 2 का गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा? 80 × 160। 80 दूनी कितना बन जाएगा मेरे साथी? 160। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो मेरे साथी ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या बन जाएगा? सी। 160 मेरे बच्चे क्या बन जाएगा इसका जवाब? ये आपसे 2019 के एग्जाम में शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 9, इसका मुझे जवाब बता दें। देखो ये यूपी कांस्टेबल 27/1/2018 में पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको कुछ नहीं करना, जो मैंने सिखाया है वही करना है। इसने कहा है 800। देखो मेरे साथी ये कितना हो गया? ये 800 हो गया। 800 के 85%, तो आप दोनों तरीका है आपके पास में, 85/100। 85 को 5 से काटूंगा तो 17 बार कटेगा, 100 को 5 से काटूंगा तो 20 बार कटेगा। इस 85% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे साथी? 17/20। क्लियर हो गई बात? का 120%। 120% का मतलब आप समझ रहे होंगे 120/100, 0 से 0 खत्म। 12 को मेरे भाई 2 से काटा 6 बार और 10 को 2 से काटा 5 बार। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई ये 120 का मतलब हो जाएगा मेरे साथी 6/5। क्लियर है? इसने कहा है कि इसका मेरे बच्चे 40%, 40% का मतलब 40/100, 2/5 क्या हो गया मेरे साथी? 5।
मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। अब मुझे एक बात बता दें, देखो यहां से यदि मैं इसे काटूंगा तो 20 50 100 यहां से जी क्या हो गया, यह खत्म हो गया, क्लियर है। अब देखो यदि मैं बात करूं कि भाई इसका यदि मैं गुणा करूं तो देखो ये क्या करोगे, इसका गुणा इसमें कर लो और मेरे साथी इसका गुणा इसमें कर लो, तो आप क्या करोगे, 8 7 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 56, 5 हो गया, और 8 1 8 और 5 कितना होगा, 13, 136 इंटू कितना हो गया, 12, और डिवाइडेड बाई मेरे साथी क्या हो गया, 5। सुनना मेरी बात को गौर से। अब देखो यहां से आप चाहो ना तो ऑप्शन की मदद ले सकते हो, क्योंकि नंबर पूरी तरह कट नहीं रहा है, तो मेरे साथी आंसर तो पॉइंट में आएगा, ये तो कहानी हो गई जी इसकी खत्म। अब यदि मैं इसकी बात करूंगा कि भाई 5 से यदि आप इसे 12 को काटोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 10 और पॉइंट 5 4 कितने हो जाएगा, 20। सुनना मेरी बात को। अब यदि मैं पॉइंट का यदि यहां से गुणा करूंगा ना तो 6 4 कितना बनेगा, 24। पॉइंट के बाद मेरे बच्चे आपको क्या नजर आ रहा है, 6। ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी, इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा, इसका जो जवाब, जो इसका जवाब बनेगा वो कितना बनेगा मेरे साथी, ये बन जाएगा। क्लियर हो गई बातें, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ आई होंगी। ये 12 हो गया, क्लियर है, तो ये 172 हो गया, 272, और 272 का पॉइंट ये 4 है, 4 से करूंगा, इसका जवाब बनेगा 326.4। क्लियर हो गई बातें, आगे चलते हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका मुझे जवाब बताएं। यूपी कांस्टेबल 26/10/2018 शिफ्ट नंबर मेरे बच्चे फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा, इसने क्या कहा है। किसी प्रवेश परीक्षा में मेरे बच्चे प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंक की आवश्यकता होती है, तो मेरे बच्चे कितने परसेंट इसको नंबर मिले। तो अब मेरी बात को सुनना, परीक्षा है जी 600 नंबर की, और इसको नंबर कितने मिले, 600 में से 522, तो मुझे यह बताओ कि मेरे साथी इसको कितने नंबर चाहिए कट ऑफ को पार करने में। तो अब मुझसे यही कहोगे कि सर आपको कट ऑफ पार करने में कितने परसेंट नंबर चाहिए, तो आप यह कहोगे सर 600 नंबर की थी परीक्षा और इसमें से इसको कितने नंबर चाहिए, मेरे बच्चे 522, और इंटू क्या कर दोगे आप, 100। तो यह चीज आपके समझ में आ गई होगी कि मेरे बच्चे 522 डिवाइडेड बाई 600 ये क्या है, ये एक भिन्न है, और भिन्न को चेंज किसमें करवा रहा है, परसेंटेज में। तो भिन्न से परसेंटेज जाने पर 100 से क्या होता है, मेरे बच्चे गुणा। अब आप यदि यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आप यही कहोगे सर 100 से ये 00 खत्म हो गया, क्लियर है। देखो 6 से काटूंगा तो 8 छिंग कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 48, 4 बचा और 7 छिंग कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 42। 87% नंबर चाहिए मेरे बच्चे इसको कट ऑफ पार करने के लिए, इसका जवाब हो गया 87। यदि इतने परसेंट नंबर आपके आ गए तो मेरे बच्चे वर्दी आपके किस पे होगी, बदन पे होगी, क्लियर है बातें। ऐसे ऐसे भी एग्जाम है, देख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर तो आ ही रहे हैं कि मेरे भाई 600 नंबर में से 522 नंबर चाहिए ना, जब पास होगा वो, आपके लिए तो इतना टारगेट भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। आगे चलते हैं मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ये इलेक्शन का क्वेश्चन है। यूपी कांस्टेबल मेरे साथी 27/1/2019 में पूछा गया सवाल है, इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा, इसने क्या कहा है कि भाई एक चुनाव में क्या, एक चुनाव में कितने कैंडिडेट हैं, 2, हारने वाले उम्मीदवार को मिले हैं मेरे बच्चे 41, क्या 41% मत, और वह कितने मतों से हार गया है मेरे बच्चे, 5,580 वोटों से हार गया है, तो कुल मतों की क्या बताना है, संख्या। तो आपको यह चीज पता होगा कि मेरे बच्चे किसी भी जगह कोई इलेक्शन हो रहा है तो किसी भी जगह के कितने भी वोट क्यों ना हो, जैसे मैं कहूं कि एक गांव में इलेक्शन हो रहा है और दूसरे गांव में भी इलेक्शन, एक गांव में 100 वोट है दूसरे गांव में 1000, तो जिस गांव में 100 वोट है ना वो भी अपने आप में 100% है, और जो 1000 है मेरे साथी वो भी अपने आप में 100% है। तो 100% वोटों में से 41% वोट इसको मिले, तो बाकी मेरे बच्चे किसको मिले होंगे,
बाकी किसको मिले होंगे? जीतने वाले को। और जीतने वाले को मेरे बच्चे 50% से ज्यादा मिलेंगे। कितने? 50% से ज्यादा। जीतने वाले को 50% से ज्यादा मिले होंगे और ये क्या हो गया, ये हार गया है। तो इसमें क्या कहा है, मेरी बात गौर से सुनना। ये 100% मेरे भाई अपने आप में वोटिंग लिस्ट है। इसमें से मेरे भाई हारने वाले को तो मिले 41%। सुनना मेरी बात को, कितने परसेंट? 41%। तो मेरे साथी इसको कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर इसको मिले होंगे 59%। ये 100% की कोई वोटिंग लिस्ट है, इसमें से 59% इसको मिले और 41% वोट इसको मिले। ये जो हारा है मेरे बच्चे, किसके कारण हारा है? क्योंकि हारने वाले को मेरे बच्चे जो वोट है ना, जीतने वाले से 18% वोट कम मिले। यदि 18% कम वोट नहीं मिले होते ना, तो मेरे साथी ये 5,580 वोटों से हार नहीं हो रहा होता, हार नहीं जाता मेरे बच्चे, यदि इसको ये नंबर इतने नहीं मिलते कम। तो इसको 59, इसको 41, तो मेरे साथी ये कितने परसेंट से जीता? ये 18% से। 18% से ये जीता है और 18 से ये हारा है। हारने की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे साथी? इन्होंने दे रखा है 5,580 वोट। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो अब इसने क्या कहा है कि कुल मतों की संख्या, मतलब वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे। तो 18% की वैल्यू यह है, तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 18 से काटोगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 54। और 18 एकन 18, और यह कितना हो जाएगा मेरे साथी? 18 थी 54, 18 थी 54, 310 हो गया। 18 थी कितना बन गया? 54। और 18 एकन 18, और ये कितना हो गया? 310। 1% की वैल्यू मेरे साथी कितना है? 310। वोटिंग लिस्ट अपने आप में कितने परसेंटेज? 100%। एक की वैल्यू को 100 बनाना है साथी, कितने से गुणा करोगे? 100 से। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, इसमें भी आप 100 से गुणा करोगे। तो मेरे पास साथी इस चुनाव के अंदर कितने वोट थे ओवरऑल? 31,000। वोटिंग लिस्ट में कितने वोट थे मेरे साथी? 31,000। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई भी होगी। क्लियर है बातें? यदि समझ में आ रही हैं तो मेरे साथी आपका परिवार है, इसको आपकी सपोर्ट चाहिए। और मेरे साथी जो समय आप मुझे देख रहे हो, इसकी एक एक सेकंड की मेरे बच्चे आपकी कीमत जो लग रही है, इसका ऋण चुकाना है आपको वर्दी पहनाकर। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे भाई यूपी कांस्टेबल 2009 का पूछा गया सवाल है। जवाब बताओ साथी, इसका जवाब क्या होगा? क्या कहा है इसने? 360 का 30%, 360 का 30%, माइनस 280 का 10%, माइनस मेरे साथी 800 का, माइनस 800 का इजिकल टू जीरो है। तो मेरे साथी इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, और बात पसंद आए तो मेरे बच्चे क्लास को आगे शेयर करना। मेरी बात गौर से सुनो, इसको निकालोगे कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं साथी, एक बात आओ, क्या इस परसेंटेज का साइन से डबल जीरो नहीं कर जाएगा? आप कहोगे क्यों? क्योंकि 30/100 हो जाएगा, तो ये जीरो 30 वाला भी खत्म और 360 वाला भी खत्म। अब मैं बात करूंगा इसकी, इस परसेंटेज को नीचे डबल जीरो लाऊंगा तो डबल जीरो खत्म। देखो बात बन गई आपकी, परसेंटेज से डबल जीरो खत्म हो गया। और 36 थिया कितना होता है मेरे साथी? 108। 36 थिया कितना होता है? 108। माइनस का साइन है, यहां पर माइनस लगा है। अब एक बात बताओ, इस परसेंटेज से डबल जीरो खत्म, यदि ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा तो मेरे साथी ये क्या हो जाएगा? माइनस के 28। क्लियर हो गई बात? अब ये साइन किसका है? माइनस का। ये क्या हो गया मेरे भाई? माइनस। अब यहां एक्स परसेंट में मान लेता हूं तो इस परसेंटेज से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे साथी? माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये एग्जामर ने आपको भयभीत करने के लिए दिया था। मेरे बच्चे आपको ये थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 108 में से यदि ये 28 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे साथी? ये 80। और ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा मेरे भाई? 10। 10% यदि मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या हो जाएगा? सी। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। एग्जामों का मौसम चल रहा है, वैसे मौसम मेरे बच्चे बहुत ठंडा है, एग्जाम का मौसम है, बेहतरीन तरीका से तैयारी करो। कैरियर क्राफ्ट और डेविड सर आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरे बच्चे जिम्मेदारी उठाई है कि इस एग्जाम को पार करने की, तो मैथ की गारंटी मेरी है मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 क्लास ये कांस्टेबल वाली है, इनको पढ़ो, एग्जाम में जाओ और अपने काम को आसान करो।
क्लियर है, बहुत रातें लगी हुई है मेरे भाई इन क्लासों में, पूरे सीक्वेंस के साथ छांटना, फिर बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में आपको चीजें प्रोवाइड करना। क्लियर हुई बातें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। यूपी कांस्टेबल मेरे साथी शिफ्ट नंबर 1 का पूछा गया सवाल है, क्या कहा है, मेहमान एक परीक्षा में मेरे साथी 125 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो मेरे साथी ये बताओ मेहमा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट क्या है। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को आप देख रहे हो मेरे साथी, 3 से 4 क्वेश्चन अब तक इस लैंग्वेज के आपको मिल चुके हैं, गलती मत करना, आसानी के साथ में आप मेरे बच्चे इन क्वेश्चनों को बनाना। देखो नंबर कितने हैं मेरे साथी, कितने परसेंट नंबर मेरे भाई मेहमा द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट क्या था, कितने परसेंट नंबर इसको मिले हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल मेरे भाई नंबर परसेंटेज किस पे निकाला जाएगा, टोटल पर। टोटल जी 175 नंबर की सपोज करो कोई परीक्षा थी, उसमें से इसको मिले जी कितने, 26 नंबर, इसको कितने मिले 126। और ये भिन्न है, परसेंटेज बनाना है, मैंने बताया था 100 से आपको गुणा करना है, यही करना है। इसके अलावा मेरे भाई आपको देखो, मैं आपको चीजें टफ करके नहीं पढ़ाऊंगा, एक टीचर का मेन उद्देश्य यह होता है कि मेरे बच्चे हार्ड चीज को एक आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाए, मतलब किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान बना दे। और ये अर्थमेटिकल जो आपकी परीक्षा में आने वाला है ना, ये एक ऐसा गणित है मेरे भाई, ये डेली हमारी दिनचर्याओं में चलता है, इसको मेरे भाई अर्थमेटिकल या अंक गणित, या मैं इसे व्यवहारिक मैथ भी बोल सकता हूं, क्योंकि डेली हमारी दिनचर्याओं में यूज होने वाली ये चीज है। तो किताबी ज्ञान को व्यवहारिक बनाओ, चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। आगे चलते हैं, अब देखो अब आप इसको बनाओगे तो मेरे भाई, यदि आप इसे 25 से काटोगे तो 25 से 175 कितने बार कटेगा साथी, 7 बार, और 25 चौका ये कितना हो जाएगा 100। समझ में आ रही है बातें, अब देखो आगे और काट लो, 7 से यदि मैं काटूंगा तो 7 × 7 और 7 × 8 कितना हो गया 56, और 18 × 4 कितना हो गया 72। मेरे साथी उसने कितने नंबर, कितने परसेंट नंबर लिए, 72%। और यही मेरे बच्चे एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार मेरे बच्चे अच्छे से चीजों को समझो और क्वेश्चन बनाना चालू करो, चीजें आपकी मेरे बच्चे बनती हुई जाएंगी। मैथ सीखने के लिए पेन चलाने से पहले मेरे साथी दिमाग चलाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे तरीका से पढ़कर दिमाग के अंदर सेट नहीं कर लेंगे, तो मेरे बच्चे आप जब तक उस क्वेश्चन के आंसर पर नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले अच्छे प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, क्वेश्चन दिमाग में आ जाए सॉल्व करना चालू करो, आपकी बात बन जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो यह भी देखो सेम क्वेश्चन है, यह यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझ में आ रहा है मेरे साथी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। देखो ऋषि ने मेरे भाई एक परीक्षा में 80 में से कितने नंबर लिए हैं मेरे बच्चे, 66 नंबर प्राप्त किए, तो ऋषि ने मेरे बच्चे कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। तो सिंपल बात है, कितने परसेंट नंबर मेरे साथी ऋषि ने प्राप्त किए, एक बात बताओ कितने नंबर है मेरे बच्चे 80, और 80 में से कितने नंबर लेके आया है 66 और इंटू कर दो मेरे भाई 100% इस वैल्यू निकल आई। तो अब यदि आप इसे निकालेंगे तो आप एक बात मुझसे यह कहेंगे कि देखो सर काटने को आप डायरेक्ट काट ले, पर नहीं कट रहा है तो ऐसे काटें 0 से 0, ये 2 से कटेगा 8 4 बार, और 2 से कटेगा मेरे साथी कितने बार, 5 बार। क्लियर है, ये 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया मेरे बच्चे 33 बार। क्लियर है, ये कितना हो गया मेरे भाई, 5 × 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। तो देखो आप यदि इसके अंदर दोगे तो ये तो 8 हो गया, और मेरे साथी ये 2.5 का मतलब आप समझ रहे हो 2.5। तो मेरे साथी इसने कितने परसेंट नंबर प्राप्त किए हैं, ओवरऑल इसने जो नंबर प्राप्त किए हैं वो 82.5%। ऑप्शन नंबर करेक्ट डी इसका परम सत आंसर है। ये मेरे साथी 2009 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, यह यूपी कांस्टेबल भर्ती 2009 में पूछा गया सवाल है। इसका मेरे साथी मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा, क्या है। देखो राजेश ने अपने वेतन का मेरे बच्चे 15% मकान किराए पर, 35% किस पर मेरे साथी भोजन, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में क्या करता है, खर्च करता है, तथा शेष क्या करता है मेरे बच्चे, शेष बचा लेता है। अगर उसकी बचत
कितना 2,250 रुपए प्रतिमा है, तो राजेश की मेरे बच्चे इनकम क्या है। तो मैंने आपको यह बताया था कि मेरे बच्चे खर्च हो या बचत हो डिपेंड किस पे करता है, आय पर। मैं ये कह सकता हूं कि एक्सपेंडिचर और सेविंग किस पे डिपेंड करता है, मेरे साथी इनकम पर। किस पर? इनकम पर। आपको यह भी पता होगा कि इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है मेरे बच्चे खर्च और प्लस बचत। क्या होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये एक छोटा सा पॉइंट है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। देखो, राजेश मेरे बच्चे 15% मकान किराए को दे देता है, 35% पैसा इसका भोजन पर और बच्चों की शिक्षा पर 20%। अब मेरे साथी एक बात बताओ, इनकम अपने आप में 100% होगी, तो एक बात बताओ, 15 और 35 कितना हो गया 50 और 20 कितना हो गया 70। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये इनकम थी इसकी 100% और इसमें से इसने कितना पैसा खर्च कर दिया, 35 15 कितना हो गया 50 और 20 70। मेरे भाई 70% पैसा इसने खर्च कर दिया, तो ये क्या बचा है? ये 30% बचा है। और ये जो बचा है ये क्या है मेरे भाई? ये सेविंग है। क्या है मेरे साथी? ये सेविंग है, ये बचत है। अब इस 30% की वैल्यू अगर मेरे भाई यहां दे रखा है कि इसने जो बचाया है वो 2,250 रुपए बचाया है, यहां पर परसेंटेज में ये वैल्यू किसके बराबर है? 30 के बराबर। 30% पैसा बचा, 30% की वैल्यू कितना है मेरे साथी? ये है कितना? 2,250। अब आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, यहां से खत्म कर दो, क्लियर है? एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो गया? 7×3=21 और 3×5 हो गया 15। एक यूनिट की वैल्यू हो गई जी 7 कितना? 73। तो इसने मुझसे क्या पूछा है? क्या जी राजेश की इनकम बता दो। एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई दे रखा है और 100 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। एक में 100 से गुणा किया 100, यहां भी मेरे साथी 100 से गुणा होगा, इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बनेगा? कितना हो गया ये? 7×3=21 और 5×3=15। ये कितना? 73 नहीं मेरे साथी, ये क्या बनेगा? 5 बनेगा। यहां कितना बनेगा ये? ये 5 बनेगा। यहां इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो आंसर आ जाएगा जी आपका 7,500। 7,500 रुपए क्या हो जाएगा मेरे साथी? इसकी इनकम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आ गई होगी। समझ में आई है तो मेरे जिन साथियों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट क्लास डेली देखते हैं मेरे बच्चे, कमेंट कर मुझे अवश्य बताएं ये क्लासें आपको कैसी लग रही हैं और आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। हमारा कार्य है आपके लिए मेरे बच्चे सुविधाएं देना। सुविधा का मतलब आपके लिए वो चीज देना जो आपको फिलहाल में जरूरत है, क्योंकि कीमत जो होती है ना मेरे साथी वो समय की होती है। समय पर चीज यदि मिल जाए तो उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं होती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहा है देखो, इसका जवाब बताएं। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल, मेरे साथी कमेंट करके इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? देखो, इसने एक बात कहा है, एक स्कूटर का जो मूल्य है ना, एक स्कूटर का जो मेरे साथी प्राइस है वो कितने रुपए है? 50,000 रुपए है। और मेरे बच्चे प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष इसकी जो मेरे बच्चे कीमत है ना वो 12% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 2 वर्ष के बाद इनका मेरे साथी मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक किसी व्यक्ति का स्कूटर है और उसने उसको 50,000 में लिया, मेरे बच्चे प्रत्येक वर्ष इस स्कूटर की जो कीमत है ना वो कितने परसेंट घटती है? मेरे बच्चे 12%। तो 2 वर्ष के बाद में उस स्कूटर की कीमत क्या होगी? तो 12% का मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरे साथी 12% को अभी फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 12/100, 4 से काटोगे मेरे साथी 3 बार कटेगा, और 4 से काटोगे तो कितने बार कटेगा? 25 बार। तो यदि कीमत स्कूटर की 25 है तो प्रत्येक साल मेरे बच्चे कितनी कीमत कम हो जाती है? 3। या मैं ये कह सकता हूं कि आज कीमत 100 है तो मेरे बच्चे 1 साल बाद 12% कम हो जाएगा, इसका मतलब 100 में से 12 कम तो बचेगा कितना? 88। और ये कितने बार हुआ है? 2 साल, 2 बार हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं 2 वर्ष बाद मेरे भाई, 2 ईयर के बाद, 2 वर्ष के बाद इसकी कीमत क्या होगी? तो मैं ये कह सकता हूं
का साथी स्कूटर है 50,000 रुपए का, समझना मेरी बात को, इनटू 12% का मतलब हो गया 3/25। यदि स्कूटर की कीमत 25 रुपए है तो कितने रुपए की कमी होगी? 3 की। तो 25 में मेरे भाई, 25 पे यदि 3 की कमी होगी तो मेरे साथी 25 रुपए की जो कीमत थी वो कितनी रह जाएगी? 22। ये एक साल का हो गया, पर इसने कहा है मेरे बच्चे 2 वर्ष बाद सेकंड ईयर में भी मेरे भाई यही कंडीशन बनेगी। क्लियर हो गई बात? अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अब यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ये कितना हो गया, 25 × 50, ये मेरे साथी 2000 बार, और 25 × 8 कितना होता है, 200, ये हो गया जी 80, ये 80 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 22 का स्क्वायर होगा मेरे बच्चे 484, 22 का स्क्वायर क्या होगा मेरे साथी, 484। अब यदि आप इसमें गुणा करेंगे तो देखो ये तो 0 रहेगा, ये आर चौक कितने हो जाएगा, 32, 20 नजर आ रहा है किसी में नहीं, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, इसका जवाब होगा मेरे साथी 38,720। कितनी कीमत रह जाएगी? 38,720। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ आ रही होगी। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और मेरे बच्चे आगे पूछे जाने की संभावना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका जवाब बताएं मेरे भाई। यूपी कांस्टेबल 2000 मेरे बच्चे नौक में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब क्या होगा। चीनी का मूल्य मेरे भाई कितने रुपए किलो था, 16 रुपए किलो, और इसका मूल्य घटकर कितना हो जाता है, 14 रुपए किलो। तो मेरे बच्चे इसने कहा है मूल्य में कितने परसेंट की क्या होगी कमी। अब मुझे एक बात ये बताओ, बात कहा है इसने प्राइस की, क्या भाई इसका प्राइस कितना था, 16 रुपए, कितना रह गया मेरे बच्चे, 14। तो आप 16 से 14 की तरफ जाओगे, 2 कम होगा, या रेशियो वैल्यू बना लो, 2 से काटोगे 16 को 8 बार कटेगा, और मेरे साथी 14 को काटोगे 2 से 7 बार कटेगा। पहले यदि प्राइस इसका मेरे साथी 8 रुपए था तो अब प्राइस कितना हो गया है, 7। कितने की कमी आई है? आप कहोगे सर 1 की कमी आई है। कितने की कमी आई है? 1 की। कितने पर मेरे भाई? 8 पर। 1/8 की वैल्यू को यदि आप निकालोगे तो 1/8 इंटू क्या करोगे मेरे बच्चे, 100, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 12.5%। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए इसका सही जवाब है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी गई हैं मेरे बच्चे, पूरी मेहनत के साथ में ये कार्य चल रहा है, आपका कर्तव्य है सपोर्ट, सपोर्ट करना है मेरे बच्चे आपको, ये कैरियर क्राफ्ट परिवार आपका है, और आप जिसको सपोर्ट करते हो ना मेरे भाई, आप चाहो तो व्यक्ति को आंधी बना दो, और आप चाहो तो मेरे बच्चे व्यक्ति को क्या बना दो, धूल बना दो। तो ये आपके ऊपर है, यदि आपको लगता है कि डेविड सर का कंटेंट, डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आता है तो मेरे बच्चे क्लास को शेयर करें और तत्काल मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इसका मुझे जवाब बताएं। यह यूपी कांस्टेबल में पूछा गया मेरे बच्चे सवाल है, क्या कहा है क्वेश्चन ने, देखो इसने यह कहा है कि चीनी का मेरे बच्चे भाव कितने 40% बढ़ जाने पर उसके परिवार को चीनी का उपभोग कितना परसेंट कम कर देना चाहिए। तो मेरे साथी मैं आपको बता भी चुका हूं कि प्राइस और कंजप्शन अपने आप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। प्राइस यदि कभी बढ़ेगा तो कंजप्शन मेरे बच्चे अपने आप में कम हो जाएगा, यदि प्राइस कम होगा तो कंजप्शन अपने आप में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने किसी व्यक्ति को 10 रुपए दिए और उससे कहा मेरे भाई आलू लेके आना है, तो आलू का सीजन चल रहा है मेरे बच्चे, क्लियर है, 50 रुपए के 5 किलो आ रहे हैं तो 1 किलो 10 रुपए के हो गए। मुझ पर फोन करता है, बोले सर आज जो आलू का जो प्राइस है ना वो 10 रुपए किलो है। मैंने कहा, बोले कोई बात नहीं भाई 1 किलो आलू ले आओ। नेक्स्ट डे फिर मैंने उसको 10 रुपए दिए, अब वो मेरे बच्चे मार्केट में जाता है तो मुझसे ये कहता है, बोले सर आलू का भाव आज बढ़ गया है, 10 रुपए किलो नहीं, आलू का भाव आज 12 रुपए किलो है। क्या मेरे साथी एक बात बताओ, क्या 1 किलो आलू आएंगे? नहीं। तो समझ में आ गई होगी कि यदि कीमत बढ़ी तो मेरे बच्चे कंजप्शन अपने आप में क्वांटिटी क्या हो गई, कम, और कीमत कम होगी तो अपने आप में वजन बढ़ के आ जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे साथी प्राइस और कंजप्शन अपने आप में कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है मेरे साथी उल्टा। तो ये क्वेश्चन मेरे साथी इस लैंग्वेज के साथ पूछे जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस में कितने परसेंट की कमी आई, 40 की, तो 40% की वैल्यू मेरे साथी कितना होता है, आप कहोगे सर 2/5।
कितना हाथ होता है मेरे बच्चे? 2/5। यदि पहले प्राइस 5 रुपए किलो था तो मेरे बच्चे अब 2 रुपए किलो की कमी हो गई। पहले प्राइस था 5 और मेरे बच्चे 2 रुपए किलो की कमी हो गई तो कितना रह गया है? प्राइस बढ़ा है, कीमत बढ़ी है मेरे भाई। कीमत क्या है? बढ़ाई गई है। तो कीमत बढ़ी है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। पहले यदि 5 किलो आती थी, बढ़ाई गई है कीमत, इंक्रीज है मेरे भाई, डिक्रीज नहीं है, प्लस हो गया। कितना हो गया? 5 से कितना हो गया? 7। अब मेरे साथी कंजप्शन प्राइस का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो बाद वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और पहली वाली वैल्यू बाद में आ जाएगी। यहां मेरे बच्चे एक चीज और पूछता है कि जैसे एक वैल्यू दे दी, क्या इसने कहा कि भाई प्राइस को 40% बढ़ाया गया, तो अब यहां ये एक चीज इसने कहा कि इसके कंजप्शन को मैं कितने परसेंट कम करूं कि मेरे बच्चे इसकी खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसकी खपत का मतलब जो जितने पैसा पहले खर्च करता था उतने ही पैसा आज खर्च करे। तो आप ये देखोगे कि मेरे भाई 5 रुपए किलो था, 7 किलो, ये 35 रुपए खर्च हो गए। ये मेरे भाई 7, ये 5, ये भी 35 हो गए। तो इसके खर्च पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं ये कह सकता हूं पहले 7 किलो अब 5 किलो, क्या हुई है मेरे साथी? ये कमी हुई है। क्या हुई है? कमी। और मैं ये बता चुका हूं आपको कि प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन अपने आप में मेरे बच्चे कम होगा। तो इस पर मेरे बच्चे 2 की कमी हुई है, कितने पर? 7 पर। तो आपको ये भी पता है 2 × ये 1/7 हो गया, और 1/7 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है मेरे साथी? 14 / 2/7% के बराबर। 14 × 2 हो गए 28, ये 14 × 2 = 28 और ये 2 × 2 = 4 और ये कितना हो गया? 7। 28/4/7% की क्या करनी पड़ेगी मेरे बच्चे? इसको कमी करनी पड़ेगी जिससे कि इसके खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस लैंग्वेज के मेरे साथी आपसे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी आपके सामने ये क्या है? 19। यूपी कांस्टेबल 2018 क्या कहा है? इसने कहा है 8 मिनट 6 सेकंड। 8 मिनट 6 सेकंड मेरे साथी 1 घंटे का कितना परसेंट है? तो अब मुझे एक बात बताएं, ये मिनट है, ये सेकंड है और ये घंटे दे रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप इनकी यूनिट को सेम नहीं करोगे आपकी बात नहीं बनेगी। कह तो पूरे को मेरे बच्चे आवर में चेंज कर दो या फिर मेरे बच्चे मिनट में चेंज कर दो या सेकंड में, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में आप क्या करें, चेंज कर लें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये 8 मिनट मेरे भाई कितने सेकंड होंगे? 8 × 48 इसका मतलब 480 और मेरे बच्चे 6 सेकंड ही हो गए। ये कितने सेकंड हो गए? 486 सेकंड। समझ में आ रही होगी? क्लियर है? देखो मैं यह कहना चाह रहा हूं यह 8 मिनट है, 8 में यदि मेरे भाई आप कितने से गुणा करोगे? 60 से, तो आर्चिंग कितना हो गया? 48। यह 480 सेकंड हो गए। समझ में आ रही है बात? अब यह 6 सेकंड और है मेरे भाई, 6 सेकंड यहां पर क्या है? यह और है। तो आप यह कहोगे सर यह हो गया जी 486 सेकंड, ये कितना हो गया जी? 486 सेकंड, 6 सेकंड ये और दे रखा है। तो ओवरऑल ये कितने सेकंड हो गया? ये मेरे साथी हो गया 486 सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। अब इसने कहा है कि 1 दिन का, तो अब मुझे एक बात बताओ 1 दिन में, तो यदि आप बात करोगे 1 दिन, 1 दिन का मतलब 24 घंटा और 24 में मेरे भाई आप क्या करोगे? ये 60, ये क्या बन जाएगा? मिनट। और ये क्या करोगे मेरे बच्चे? ये क्या करोगे आप? ये भी किया। तो ये घंटे की बात नहीं, ये पूरी 1 दिन की बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है मेरे बच्चे? 1 दिन की बात। तो 1 दिन में मेरे बच्चे कितनी सेकंड हो जाएंगी? आप कहोगे 3600। 1 दिन में कितनी सेकंड हो जाएंगी मेरे साथी? 3600। समझ में आ रही है? तो अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 1 दिन में बनती है 3600 सेकंड और 8 मिनट 6 सेकंड का मतलब हो गया 486 सेकंड। ये किस में चेंज करना है? ये परसेंटेज में, परसेंटेज में चेंज करना है। तो मेरे साथी 100 से क्या करना पड़ेगा आपको? गुणा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। तो देखो 0 से 0 खत्म कर दिया, क्लियर है? अब इसको काटोगे तो 36 सेकंड कितना हो गया जी? ये 36, 126, 36 दिया कितना बनेगा? 108। मेरे भाई 13 मिल गया। तो आप देख रहे हो ये 16 है, ये खत्म हो गया, ये 16 है, ये खत्म, ये 20, ये खत्म, ये 24, ये खत्म,
इसका जवाब बनेगा मेरे साथी, इसका जो जवाब बनेगा वो कितना बनेगा, 13.5। 13.5 क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, 13.5%। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ में आ रही होगी। इस लैंग्वेज का भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि भाई इतने का इतना है तो यह कितना परसेंटेज है। तो आप इस क्लास की डिजाइनिंग को देख रहे होंगे, धीमे धीमे मेरे साथी में ऊपर बढ़ता हुआ जाऊंगा और आपको सब चीजें क्लियर होती हुई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20, इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। यूपीएएसआई मेरे बच्चे 22/12/2018 में पूछा गया सवाल है, क्या कहा है इसने, इसने कहा है कि भाई 600 छात्रों की एक क्लास में 55% छात्र ज्योग्राफी भूगोल में क्या होते हैं मेरे बच्चे, उत्तीर्ण पास होते हैं, 55% छात्र अर्थशास्त्र में मेरे बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो इस क्वेश्चन के निकालने के अनेक तरीके हैं, आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो मेरे बच्चे एक बेसिक फॉर्मेट से भी निकाल सकते हो। क्या है ये आपने पढ़ा होगा, ए देखो आपने ये फॉर्मेट पढ़ा होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि आप बनाओगे तो चीजें मेरे साथी आपकी आसान होंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चे, पी ए प्लस पीवी माइनस एन, ये पी ए क्या आप एक काम करें, देखो इसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, एन ए यूनियन बी इक्वल टू मेरे साथी एन ए प्लस एन बी माइनस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात को समझना, इसका तो मतलब है मेरे बच्चे कॉमन दोनों और ये क्या है, ये इंडिविजुअल है। अब मेरी बात को सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप चाह रहे हो वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से भी निकाल लेना। इसने कहा है 600 में मेरे बच्चे, ये 600 छात्रों में से 55% छात्र ज्योग्राफी में मेरे बच्चे पास हो गए, 65% मेरे बच्चे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में पास हो गए और 30% मेरे साथी ये क्या है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए। तो कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो 55% तो मेरे बच्चे किस में पास हो गए, ये पास हो गए ज्योग्राफी में, प्लस इसके अकॉर्डिंग 65% किस में, इकोनॉमिक्स में, माइनस दोनों विषयों में कितने हो गए मेरे बच्चे 30% पास। सुनना मेरी बात को। एक बात और, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे बच्चे लैंग्वेज भी ये अलग हो जाती है, एग्जामर सोचता है कि इसको ना देकर वो और अलग देता है, वो क्या दे देता है, क्या देखो यहां तो मेरे बच्चे पास हो गए और ये दोनों को सपोज करो या फेल कर देगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इनकी जो यूनिट है ना, क्या तो ये ओवरऑल सब पास हो या फिर ओवरऑल ये क्या होने चाहिए फेल। तो यूनिट को यहां चेंज करने वाली बात नहीं आई क्योंकि ये यहां भी पास, ये यहां भी पास और ये दोनों में भी पास। क्लियर है, अब सुनना मेरी बात। तो मुझे एक बात बताना, ये कितना हो गया, ये हो गया जी 120, ये कितना हो गया 120, 120 में से 30 माइनस करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं मेरे साथी 90% क्या हो गए मेरे भाई, इन दोनों में पास हो गए, 90% क्या हो गए पास। तो इसने मुझसे ये पूछा है कि भाई इस 600 में से कितने स्टूडेंट फेल्ड हुए। तो यदि मैं बात करूंगा मेरे साथी फेल्ड की, तो एक बात बताओ अपने आप में 100% होंगे, 100 में से 90% तो पास हो गए, मेरे बच्चे फेल कितने परसेंट हुए, आप कहोगे 10%, 10% फेल्ड हुए। तो इसने मुझसे यही कहा है कि मेरे साथी इस फेल्डों की संख्या बता दें। तो देखो टोटल स्टूडेंट थे 600 और 600 में से 10% स्टूडेंट क्या हुए मेरे साथी, फेल हुए, 90% पास हो गए। तो देखो 00 से 00 खत्म, इस 600 में से 60 ही स्टूडेंट फेल हुए, बाकी मेरे बच्चे सब क्या हो गए पास। और यही चीज आपसे एग्जाम में पूछी गई है। आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं तो वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं और बाकी मेरे बच्चे आप ऐसे चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बात आपको समझ आ गई होगी। तो यदि ये आपको फॉर्मूला पता है तो मेरे बच्चे आप आसानी के साथ में इस प्रकार के क्वेश्चन को बना लेंगे। बाकी आप वेन डायग्राम से बनाना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से ये है कि सपोज करो मेरे बच्चे ये ज्योग्राफी है और सपोज करो ये दोनों की बात कहा ये इकोनॉमिक्स है, ये ज्योग्राफी है और ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमिक्स है,
इसमें ज्योग्राफी में कितने पास हुए हैं? 55%। सुनना मेरी बात को। इसके बाद में मैं इकोनॉमिक्स की बात कहूं तो इकोनॉमिक्स में कितने परसेंट? 65%। दोनों को मिलाकर कितने हुए? 30। अब ये क्या होगा? हो सकता है कि इस 55 में मेरे बच्चे जो ज्योग्राफी में पास हुए हैं वो इकोनॉमिक्स में फेल हो गए हो सकता है जो इकोनॉमिक्स में जो पास हुए हैं वो ज्योग्राफी में फेल हो गए हो, परंतु ये फेल जरूर हुए, नहीं तो मेरे भाई इसका एवरेज जो है ये 30 नहीं बनता, ये कम नहीं होता। तो अब कैसे निकालोगे? यदि मैं ये कहूं कि ज्योग्राफी में अपने आप में कितने इंडिविजुअल ज्योग्राफी में कितने मेरे बच्चे पास हुए, तो 55 में से 30 जाएगा 25। सुनना मेरी बात को, दोनों में 30 पास हो गए। अब 65 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चे? 35। तो बात निकलकर वही आ रही है, 35, 40, 60 और 30 कितना हो गया? 90। 90% तो मेरे साथी है क्या हो गए? 90% तो पास हो गए, तो 10% क्या होगा? फेल। और 600 का 10% कितना होता है? 60। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में। क्या कहा है? एक शहर में मेरे बच्चे 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं और 40% अखबार पढ़ते हैं। एक शहर में 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं। इसने देखो क्या कहा है कि 25% ना तो अखबार पढ़ते हैं और ना ही मेरे बच्चे टीवी पर न्यूज देखते हैं। तो यह चीज आपको समझ आई होगी, समाचार देखते हैं तो 4000 लोग दोनों करते हैं, तो अखबार पढ़ने और टीवी पर समाचार देखना शहर की मेरे बच्चे आबादी ज्ञात कीजिए। तो यहां से यह चीज आपको समझ आई कि भाई 55% तो टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं, पर 25% लोग ऐसे हैं जो ना तो अखबार पढ़ते हैं ना मेरे साथी समाचार पत्र देखते हैं। तो मैंने अभी आपको एक ही चीज यही दिखाया कि इनकी यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो एक बात बता दो मुझे, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं टीवी 55% लोग देखते हैं जबकि ये दे रखा 25% अखबार नहीं पढ़ते ना टीवी देखते हैं, तो मुझे ये कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट, क्योंकि मुझे ये बताया कि सबको एक करना है। तो यहां तो मेरे बच्चे देखने वाले हैं, मैं ना देखने वाली बात कहूंगा क्योंकि यहां पर ये जो दे रखा है ये ना देखने वाला है, इसी को चेंज करना है या फिर इसको चेंज कर दो। अब मैं ये कहूं कि 25% ना अखबार पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं, तो 25% ही तो नहीं करते, 75 तो मेरे बच्चे करते होंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 25 ही तो नहीं करते, 75 तो करते होंगे, किसी में भी चेंज कर लो। देखो 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं टीवी पर समाचार ये देखते हैं, ना देखने वाले टीवी पर कितने होंगे? 45। ना देखने वाले कितने होंगे? 45। 40% अखबार पढ़ते हैं, तो 40% अखबार पढ़ते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि 60% ऐसे हैं जो अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे। तो ये टीवी ना देखने वाले, ये अखबार ना पढ़ने वाले, और मेरे बच्चे 25% दोनों में से कोई नहीं देखता। तो मैंने भी आपको बताया था एन ए प्लस एन वी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से मुझे पता है क्या पता पड़ेगा, यहां से मुझे यह पता पड़ेगा ना तो मेरे बच्चे न्यूज़पेपर देखने वाले, देखो यहां पर ना तो टीवी देखने वाले और ना मेरे बच्चे न्यूज देखने वाले, ये ना तो टीवी देखने वाले और ना न्यूज देखने वाले। तो मैं ये कहूंगा क्या जी, ये कितने हो गए? 100। ये बन गया जी आपका 60 और 45, 105। 105 में से यदि 25 जाएगा तो कितना बनेगा? 80%। 80% ऐसे लोग हैं कि जो तो मेरे भाई ना तो टीवी देखते और ना न्यूज़पेपर देखते, ये ना तो टीवी देखते ना न्यूज़पेपर देखते। तो 20% लोग ऐसे होंगे मेरे भाई जो टीवी भी देखते होंगे और मेरे साथी जो न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसने जो संख्या दे रखी है ना 4000 लोग दोनों करते हैं, तो अब मेरी बात को समझना, तो मुझे यह निकालना है कि मेरे बच्चे टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो टीवी और समाचार पत्र दोनों देखते हैं। तो अब यहां से आप क्या करोगे, आप यह कहोगे सर संख्या कितनी दे रखी है जी? 4000। इसमें से क्या है 20% लोग हैं ऐसे, परसेंटेज का मैटर है, 100 से मेरे बच्चे गुणा कर दिया। तो देखो आप 0 से 0 इससे यह कितने बार कटेगा? 200 बार। और 200 में यदि 100 से गुणा करोगे तो मेरे बच्चे कितने लोग हैं ऐसे? 20,000 लोग। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी, यह मेरे बच्चे आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर, यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल है।
एग्जाम से रिलेशन रखने वाला क्वेश्चन है, क्या कहा है इसने? इसने कहा ए 67 मार्क्स प्राप्त करता है और मेरे बच्चे उत्तीर्ण पास होने वाले अंकों से की तुलना में 192 अंक अधिक लाता है, जबकि मेरे बच्चे भी 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से क्या हो जाता है फेल। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है? तो अब मेरी बात को सुनना कि जो स्टूडेंट ए 67% नंबर लाता है तो उसको जितने नंबर चाहिए ना उससे मेरे बच्चे 192 नंबर ज्यादा लाया। जो बी है वो मेरे बच्चे 27% नंबर लेके आया और इसको जो नंबर मिले ना इतने कम नंबर मिले, क्या इसको पास होने के लिए मेरे बच्चे 48 नंबर और चाहिए? मेरा मिशन है सिर्फ और सिर्फ पास करना। मेरा मिशन क्या है मेरे बच्चे? मुझे इसे भी पास करना है और मेरा साथी मुझे इसे भी पास करना है। दोनों को क्या करना है? पास। तो ये तो है ए और मेरा साथी ये कौन है? बी। मेरी बात गौर से सुनना, मेरा मिशन है ए को भी पास कराना है और मेरे बच्चे मुझे किसको पास कराना है? बी को भी पास कराना है। तो कैसे पास होंगे? इधर देखो, देखो ए लाया जी 67% नंबर, सुनना मेरी बात को, और ये जितने नंबर इसको लाने थे ना उससे 192 नंबर ज्यादा लाया है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या मेरे साथी इसमें से 192 नंबर में माइनस कर दूं, क्या ये पास नहीं होगा? आप कहोगे हो जाएगा, क्योंकि 67% नंबर जब ये लेके आया तो 192 नंबर इसको ज्यादा मिले। यदि मेरे बच्चे उसको कम कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? पास। अब एक बात बताओ बी, बी मेरे साथी कितने परसेंट नंबर लेके आया है? आप कहोगे 27, 27% नंबर लाया, परंतु मेरे बच्चे ये इतने, ये देखो सरसर से 27 हुआ तो मेरे बच्चे अपने आप ही फेल होगा, ये जो 48 अंक से फेल हो जाता है, 27% लाया 48 से फेल हो गया। यदि मेरे बच्चे इसमें मैं 48 जोड़ दूंगा तो देखो ये भी पास हो गया और मेरे साथी ये भी पास हो गया, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों अपने आप में पास हो गए। अब क्या करोगे? इक्वल का मेरे बच्चे आपके पास साइन है, तो देखो छोटी संख्या को इधर ले आओ। यदि 27 को मैं इसके पास लाऊंगा तो 67 में से यदि मेरे साथी 27 जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 40, ये बन गया जी 40%। समझ में आ रही है? 67 में से 27 गया तो 40 बना। अब ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा इधर। माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे साथी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 8 जोड़ूंगा 200, ये हो गया मेरे बच्चे 240। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। तो इसको क्या चाहिए मेरे बच्चे? पास होने के लिए अंक। तो आप किसी भी वैल्यू को यहां रख सकते हैं। अब मैं यदि 1% की बात कहूंगा तो देखो 0 से 0 खत्म, 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 6 चौक 24। अब देखो यदि आपको इस वाली वैल्यू में रखना है तो 67% निकाल लो, और मेरे साथी अब यदि आपको इस वैल्यू में रखना किसी में भी रख लो, 67% की नंबर लाओगे तो यहां रखोगे और 27% लाओगे तो यहां रखोगे। तो मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे एक को बनाना है मुझे 27, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 27 से। इसके अंदर यदि 27 से गुणा करोगे ना तो आप क्या कहोगे? 7 × 42 क्लियर होगी 4, और 6 × 2 = 12 और 4 कितना हो गया? 16, 162। तो अब आप यहां से मेरे बच्चे पास होने वाले नंबर निकाल लो, तो 27% की वैल्यू कितनी है? 162, और मेरे साथी ये कितना हो गया? 48। अब यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 162, 170, ये हो जाएगा जी 210। कितने नंबर चाहिए इसे पास होने के लिए? 210। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे बच्चा फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो यह यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा है? देखो इसने कहा है एक आयत, एक मेरे बच्चे लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, एक आयत की मेरे बच्चे लंबाई और चौड़ाई, क्या दे रखा है? लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक क्या किया जाता है मेरे बच्चे? इसे किया जाता है तो इसके एरिया में कितने परसेंट का क्या होगा फायदा? तो अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास दोनों तरीके हैं। आप चाहते हो इफेक्टिव रेट तो इफेक्टिव रेट भी लगा लो, आप चाहते हो रेशियो तो रेशियो से भी बना लो। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे साथी लंबाई, लंबाई में कितने परसेंट की? लंबाई में मेरे बच्चे 10%, तो 10 का मतलब हो गया 1/10। यदि पहले लंबाई 10 थी तो बढ़ने के बाद मेरे साथी कितना हो गया? 11। अब देखो चौड़ाई, इसकी चौड़ाई में 20% वृद्धि, तो चौड़ाई मतलब बी, 20 का मतलब हो गया जी 1/5। पहले यदि 5 थी तो बाद में कितनी हो गई साथी? 6। अब यदि आपको एरिया निकालना है तो आयत का
क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चे? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 10 और 5 का यदि गुणा करूंगा कितना बनेगा? 50। और मेरा साथी ये क्या हो गया आपका? 66 66। तो एक बात बताओ, 50 में कितना बढ़ा है? ये क्या हुआ है मेरे बच्चे? वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? ये इंक्रीज हुआ है, वृद्धि इंक्रीज हुआ है। कितने का? 16 का। कितने पर? 50 पर। और मेरे साथी इंटू क्या हो गया? 100। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ आई होगी। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप यह कहोगे जी यह 2 हो गया। एरिया कितने परसेंट बढ़ गया? 16 दूनी 32, 32% क्या हो गया साथी? एरिया इंक्रीज हो गया। आप चाहते हो ऐसे नहीं ऐसे, तो एक बात बताओ ये कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 10। मेरे भाई ये 20। प्लस प्लस का गुणा मेरे साथी क्या होता है? ए इंटू बी, 10 इंटू 20। और डिवाइडेड बाई मेरे साथी क्या हो जाएगा? 100। 10 और 30 कितना हो गया? 10 और 20 30। और 2 कितना हो गया मेरे साथी? 32, 32%। तो आपके पास में दोनों तरीके हैं, आप जिससे चाहते हो उससे आप निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो इसी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन मेरे भाई और दिखा, इसका जवाब बता दें। यूपी कांस्टेबल 2018 में क्या कहा है इसने? घनाव की लंबाई एक कोई मेरे बच्चे क्या है? क्यूब्ड है। एक कोई घनाव है, उसकी लंबाई 10%, उसकी चौड़ाई मेरे बच्चे कितना? 30%। और उसकी ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो आयत पर मेरे बच्चे क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत नहीं, घना पर। आयत नहीं है, यह घना पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चे? इसके घना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मेरी बात सुने, आपके पास दोनों तरीके हैं। इफेक्टिव से आप निकालोगे तो इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे साथी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सुनना मेरी बात, माइनस यह बन जाएगा एक्स वाई, प्लस ये बन जाएगा बाई जेड, प्लस ये बन जाएगा जेड एक्स, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरे साथी? 100। प्लस ये हो गया एक्स बाई जेड और डिवाइडेड बाई 10,000। आप डायरेक्ट 3 का निकालना चाहते हो तो यहां से निकाल सकते हो मेरे साथी आसानी के साथ में। या ये तो है आपका मेरे बच्चे 3 नंबरों का इफेक्टिव रेट निकालना, या आप रेशियो पर निकालना चाहते हो तो लंबाई कितनी बढ़ गई? लंबाई बढ़ गई 20। 20 का मतलब मेरे बच्चे 1/5, 5 से 6 हो गया। चौड़ाई मतलब बी, बी का मतलब मेरे साथी कितना हो गया? 30%, 3/10। पहले यदि 10 था तो बाद में कितना हो गया जी? 3 बढ़ गया 13। बात कर रहा है ऊंचाई की, 50% कम हो गया। 50 का मतलब 1/2, पहले यदि 2 थी तो बाद में कितनी हो गई? 1। अब देखो घनाव का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका मेरे बच्चे क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन बराबर आप जानते होंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। समझ में आ रही है बात? तो मेरे भाई पहले कितना था? ये 50 और 2 से गुणा किया 100, क्लियर है। और ये कितना हो गया जी? 13 6 78। अब एक बात बताओ, पहले एरिया था 100, अब हो गया जी 78। कितने की कमी आई है? आप कहोगे सर 22 की। कितने पर कमी आई है? 22 की। कितने पर? 100 पर। तो कितने परसेंट कम हो गया मेरे साथी? 22%। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका क्या बन जाएगा मेरे साथी? जवाब बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरे बच्चे एक से एक सिंपल क्वेश्चन को आसान भाषा में करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन मेरे भाई यूपी कांस्टेबल 17 नहीं होगा, ये 18 होगा। 17 नहीं होगा मेरे बच्चे, 18 होगा। क्या कहा है इसने? इसने मुझसे एक बात यह कहा है कि भाई एक ही इनकम, बी की इनकम से 25% क्या है? अधिक है। तो मेरे साथी बी की इनकम एक ही इनकम से कितने परसेंट कम है? यह लैंग्वेज का क्वेश्चन मेरे बच्चे आपको देखने को मिलेगा। मैं यह कह रहा हूं ये ए और बी, किसकी बात कर रहा है मेरे साथी? इनकम की। ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है। तो मेरे साथी किसकी? ए की ज्यादा है, किससे? बी से। तो आप ये बताओ कि भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा मेरे साथी? 1/4। 1/4, 4 यदि बी की है तो उससे 1 ज्यादा है किसकी? ए की। तो यहां से आप बना सकते हैं कि भाई ए की जो किसका दे रखा है? इनकम दे रखा है। ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है, इसकी 4 है तो इसकी 1 ज्यादा होगी, कितना बन जाएगा? 5। या मैं ये कह सकता हूं कि बी की यदि 100 है तो मेरे बच्चे इसका कितना बनेगा? 125। इसकी यदि 100 है तो इसका कितना बनेगा? 125। अब क्या कहा है इसने? बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट कम है? बी की इनकम ए की इनकम
इनकम से कितने परसेंट कम है। तो आप ये कहोगे बी की इनकम पांच, ए की इनकम पांच है, बी की कितना है चार। तो मेरे भाई कमी की परसेंटेज पूछ रहा है, किसकी कमी की, तो इसकी पांच है इसकी चार, बी की इनकम एक कम है कितने से, पांच से, और एक बट्टे पांच की वैल्यू होती है मेरे साथ ही 20%। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो क्लास को शेयर करें, क्लियर है। और जिन मेरे साथियों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाई यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए पूरा जिम्मा उठा रखा है, पूरी ताकत लगा देगा मेरे भाई कैरियर क्राफ्ट और मैथ के अंदर डेविड सर से जुड़ा हुआ इंसान एक भी व्यक्ति वीट नहीं होगा, यह मेरा आपसे वायदा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। इसका मुझे जवाब बता दें, यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया सवाल है। तो आप लेवल को जान गए होंगे कि आपका लेवल क्या होने वाला है और आपके एग्जाम में क्या आना है। मैं उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं मेरे साथी जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो इसने क्या कहा है, एक स्कूल में 40% छात्र तो मेरे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और 60% छात्र क्या खेलते हैं, मेरे बच्चे 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। अब इसने क्या कहा, यदि 15% मेरे बच्चे विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना क्रिकेट, तो दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। तो मैंने आपको यही चीज सिखाया था कि मेरे बच्चे यहां 40% तो फुटबॉल खेल रहे हैं और यहां 60% खेल रहे हैं क्रिकेट, और यहां पर यह दे रखा है कि 15% छात्र ऐसे हैं स्टूडेंट के ना तो क्रिकेट खेलते और ना मेरे बच्चे क्या खेलते हैं फुटबॉल। तो आप एक काम करें कि 40% फुटबॉल खेलते हैं तो 60% ऐसे होंगे जो फुटबॉल नहीं खेलते होंगे, 60% क्रिकेट खेलते हैं तो 40% ऐसे होंगे जो क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। तो फुटबॉल ना खेलने वाले और क्रिकेट ना खेलने वाले और मेरे बच्चे ये 15% दोनों दे रखा है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 40% और 60% तो खेल रहे हैं, ये 15% नहीं खेल रहे हैं, तो 15% नहीं खेल रहे होंगे तो 85% खेल रहे होंगे। आपके पास में दोनों तरीके, आप किसी से भी बना लो। अब ये बता 60% फुटबॉल खेलते हैं तो मेरे बच्चे 60% ऐसे होंगे जो फुटबॉल नहीं खेलते होंगे, 60% क्रिकेट खेलते हैं तो मेरे बच्चे 40% ऐसे होंगे जो मेरे साथी क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। क्लियर है, यहां दे रखा है दोनों 15% कुछ नहीं खेलते, तो मैं यहां पे भी 60 नहीं खेल रहे, ये 40 नहीं खेल रहे, ये मेरे बच्चे 15% कुछ नहीं खेल रहे। अब ये पता है क्या आ गया है कि ना तो क्रिकेट खेलने वालों की और ना फुटबॉल खेलने वालों की, ये ना खेलने वाले हैं। तो अब मेरी बात सुनना, ये 100 में से मेरे साथी 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 85% ऐसे स्टूडेंट हैं कि मेरे साथी ना तो वो क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, ना तो वो क्या खेल रहे हैं मेरे बच्चे ये क्रिकेट, और ना खेल रहे हैं फुटबॉल। तो अब मुझे एक बात बताओ, 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे बच्चे क्रिकेट भी और क्या चीज मेरे बच्चे फुटबॉल भी, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इसने मुझसे क्या पूछा है कि कितने परसेंट मेरे बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, तो जवाब बनेगा 15%, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप चाहते हो वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से भी बना सकते हो, पर एग्जाम में मेरे बच्चे इससे आप बनाओगे तो टाइम भी मेरे बच्चे आपका बचेगा और कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर, यूपी कांस्टेबल 2018 में मेरे साथी पूछा गया सवाल है, जवाब बताएं इसका क्या होगा। देखो क्या कहा है इसने, एक व्यक्ति अपनी इनकम का, एक व्यक्ति मेरे साथी, एक व्यक्ति एक कोई मैन है, वो अपनी इनकम का 2/3 क्या करता है मेरे बच्चे, वो खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 14% बढ़ा दी जाती है और मेरे बच्चे खर्च 20% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी इनकम का 2/3 खर्च करता है, तो 2/3 का मतलब समझ रहे हो कि खर्च करे या बचत करे किस पर डिपेंड करेगा, मेरे बच्चे इनकम पर, आय पर डिपेंड करेगा। 3 रुपए यदि कमाए तो मेरे बच्चे 2 रुपए क्या कर दिया इसने, खर्च कर दिया। अब मेरी बात समझना, यह है इनकम, इनकम बराबर होता है मेरे साथी एक्सपेंडिचर और प्लस क्या होता है सेविंग, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अब यहां से आप निकालें, देखो 2/3 का मतलब समझ रहे होंगे कि भाई इसने यदि 3 रुपए कमाए तो मेरे साथी 2 रुपए खर्च कर दिए तो बचाए कितने होंगे इसने, 1 रुपए। पर परसेंटेज का मैटर है, आप एक काम करें 0 को साथ लेके चले, जब 0 को आप साथ लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। मैंने कह दिया मेरे भाई यहां पर 00 लगा दिया तो ये 200 हो गए और ये 100 हो गए,
एक चीज और मैंने आपको बताया था कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीपल और किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर मेरे साथी रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसमें कितने से भी गुणा कर दें और कितने से भी भाग कर दें, रेशियो वही रहेगा जो है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 300 रुपए इनकम है, 200 रुपए खर्च किए तो 100 रुपए मेरे बच्चे क्या हो गया, इसने सेव कर लिया। इसने क्या कहा, ये अपनी इनकम का 14% क्या करता है, वृद्धि करता है। तो यदि इनकम की यदि मैं बात करूंगा तो मेरे साथी 14% की क्या करता है, ये वृद्धि। इसे 300 रुपए मिल रहे थे, तो अब मुझे एक बात बताना छोटी सी। देखो परसेंट से 00 खत्म हो गया, 14 थी कितना हो गया 42। तो देखो आपके पास में दोनों तरीके हैं, आप ये भी कह सकते हो कि पहले इनकम 300 थी तो अब 342 होगी, पर इसने क्या पूछा है, कमी और वृद्धि की बात करें ना तो मेरे बच्चे आप पहली वाली वैल्यू को छोड़ दें, क्योंकि पहली वाली वैल्यू काउंट हो चुकी है, नई वाली वैल्यू को पकड़े। अब देखो तो इसने क्या कहा है, उसके खर्च में 20% मेरे बच्चे खर्च बढ़ गया, तो सीधी बात है मेरे भाई, इनकम बढ़ेगी तो खर्च अपने आप बढ़ेगा। तो अब इसने क्या काम कहा है, मेरी बात गौर से सुनना, इसका क्या बढ़ गया मेरे भाई, खर्च बढ़ गया। तो अब मैं ये कहूंगा कि भाई परसेंट इससे 00 खत्म, पहले के अकॉर्डिंग 4 रुपए ज्यादा बढ़ गए। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 14 थी कितना हो गया 42, और ये कितना हो गया मेरे भाई, परसेंट से 00 खत्म, 20 दूनी 40 बढ़ गया। अब बताओ इनकम तो बढ़ी इसकी मेरे भाई पहले के अकॉर्डिंग 42, 40 रुपए खर्च हो गया, तो मेरे साथी बचा कितना होगा 2 रुपए। अरे मेरे भाई पहले के अकॉर्डिंग 42 रुपए ज्यादा कमाए, तो पहले से 40 भी तो ज्यादा खर्च कर दिए, 42 कमाए 40 खर्च कर दिए, बचा कितना मेरे बच्चे 2 रुपए। अब मैं यह भी कह सकता हूं कि पहले इसकी इनकम 100 रुपए थी तो अब इसकी इनकम 102 होगी, कितने की बचत हुई है मेरे भाई। देखो यह मुझे निकालना है सेविंग की परसेंटेज, और सेविंग की परसेंटेज में क्या हुआ है मेरे बच्चे, इंक्रीज हुआ है, 2 का इंक्रीज हुआ है, कितने पर 100 पर। तो आप यही कहोगे सर 100 पर 2 का इंक्रीज हुआ है तो कितने परसेंट मेरे बच्चे सेविंग इसका बढ़ा होगा, 2%। ऑप्शन नंबर करेक्ट फर्स्ट इसका सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ आ गई होगी, छोटी छोटी चीजें हैं, पता होना चाहिए। मेरे साथी यूपी पुलिस के अंदर इस रेंज के क्वेश्चन होंगे और ये रेंज आए हुए, मैं लेवल को थोड़ा बढ़ाते हुए चलूंगा, जो आया है उसे तो कराऊंगा, उससे और चीजों को ऊपर, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे बच्चे में यूपी कांस्टेबल भर्ती के मैथ को पैक कर चुका हूं, बाउंड्री कर चुका हूं, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथी, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है, इसका मुझे जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का मेरे साथी जवाब क्या होगा, इसका मुझे जवाब बता दें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इसका मुझे जवाब बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। देखो इसने क्या कहा है कि भाई एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% क्या है मेरे बच्चे, वुमेन है, महिला है। इसने कहा सभी पुरुष सहित कुल कर्मचारियों में से 85 ऐसे हैं जो मेरे बच्चे जिनका प्रमोशन मिला है। यदि 105 महिलाएं कर्मचारी हैं तो मेरे बच्चे कितने परसेंट महिलाएं कर्मचारियों को क्या मिला है मेरे बच्चे, प्रमोशन मिला है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इसकी लैंग्वेज को समझना। एक कार्यालय में 30% कौन है मेरे बच्चे, महिलाएं। तो मैं ये कहूं कि ओवरऑल टोटल यदि 100 कर्मचारी होंगे तो 100 में से 70 तो क्या होंगी महिलाएं, 30 कौन बचेंगे, आदमी। इसने ये चीज यहां एक चीज और कहा है कि 70% यदि 105 कर्मचारी महिलाएं, तो आप ये चीज समझ गए होंगे क्या भाई 70% की जो वैल्यू है ना मेरे साथी वो किसके बराबर है, ये है मेरे बच्चे 105 के बराबर। समझ में आ रही होगी बात, ये संख्या दे दिया है, वहां परसेंटेज है। एग्जामर ने सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको फंसाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन को एक बार नहीं बार बार पढ़ो, और जब पढ़कर जब दिमाग में सेट हो जाए ना, जब मेरे बच्चे क्वेश्चन पे बार करो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर देखना, 70% की वैल्यू 105, अब देखो आप कैसे निकालोगे। यदि मेरे भाई मैं 7 से काटूंगा तो 7 से यह 10 बार कटेगा, और 7 से यह कितने बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा मेरे बच्चे 15 बार, क्लियर है। 5 से काटूंगा यह 2 बार, या फिर एक काम करो अपने आप में टोटल निकाल लो इसका, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मेरे साथी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की वैल्यू 15 है, तो 100 की वैल्यू यदि 10 को बनाओगे तो मेरे बच्चे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, 15 में यदि 10 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 150। मैं ये कह सकता हूं
क्या भाई ये 150 हो गए अपने आप में। अब मेरी बात सुनना, 150 में से मेरे भाई ये 105 कौन है, ये 150 में से 105 कौन है मेरे बच्चे, ये 150 में से 105 कौन है महिलाएं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 45 आदमी होंगे, ये मेन कितने होंगे मेरे साथी, ये आदमी कितने होंगे, फीमेल तो 105 है, तो इसने पूछा है मुझसे 70% टोटल दे रखा है, तो मेन मेरे भाई कितने होंगे, आपके मेन होंगे चल ये 45। अब मेरी बात को गौर से सुनना मेरे भाई, मेन 45 होंगे, अब 85 को मेरे बच्चे यहां पर क्या मिला है, प्रमोशन मिला है, तो 45 इस 85 में से ये मेरे भाई 45 को तो ये मिल गया, तो ये कितना बचेगा, आप कहोगे सर ये 40। 40 वुमेन ऐसी हैं जिनको मेरे बच्चे क्या मिला है, प्रमोशन मिला है। 40 को क्या मिला है, प्रमोशन। तो 40 को प्रमोशन मिला है मेरे साथी 105 में से, और इंटू क्या करोगे आप 100। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे बच्चे इसे अच्छे तरीका से पढ़ना था और क्वेश्चन को अंजाम देना था। अब यदि आप यहां से सॉल्व करेंगे तो एक बात बताओ, 5 से यह कितने बार गया, 21 बार। 5 से मेरे साथी कितने बार जाएगा, 8 बार। अब देखो 8 100 हो गया और यह हो गया मेरे बच्चे 21। अब मेरी बात को सुनना, 21 से कितना हो गया मेरे साथी 63। 21 से कितना हो गया 63, और 21 चौका 84, इसका मतलब देखो यह भी खत्म हो गया और मेरे साथी यह भी खत्म हो गया। अब ये 21 बचा, 21 या 63, 63 गया तो मेरे साथी ये कितना बचेगा यहां से, 63 और 17 0 और 8 एक 8 आठ दूनी 16 170, 8 बार चला जाएगा। ये अप्रोक्सिमेटी में दे रखा है पॉइंट में, पर ऑप्शन में मेरे भाई सीधा दे रखा है 38%। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी डी इसका परम सत आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, यह भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछा गया है यूपी कांस्टेबल भर्ती 2009 के अंदर। देखो क्या कहना चाह रहा है, इसे पढ़े। यदि किसी कार्य को में नियोजित लोगों की संख्या कितना दे रखा है मेरे साथी, 14 सही 2/7% बढ़ा दी जाती है, तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को कितने परसेंट कम करना चाहिए कि सभी लोगों की जो एफिशिएंसी है वो कैसी है मेरे बच्चे, समान है। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि भाई लोगों की, यदि आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिन की संख्या अपने आप में कैसी हो जाएगी मेरे बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब मेरी बात को सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसने कहा है कि भाई आदमी मैन की जो संख्या है ना, मैन की जो संख्या है, सपोज करो मैन की संख्या में कितना इंक्रीज हुआ है मेरे साथी, 14 सही 2/7%, और इससे आप जानते हो 14 सत्ते 98 और 200, इसकी वैल्यू होती है मेरे साथी 1/7। अब एक बात सुनना, यदि पहले आदमी 7 थे तो आदमी की संख्या बढ़ गई 1, अब कितने हो गए 8। अब इसने एक बात कहा है कि उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को कितने परसेंट क्या करना चाहिए मेरे बच्चे, कम करना चाहिए। तो कम करोगे तो इसका आंसर 12.5% आएगा। कम करोगे तो मेरे भाई 8 से कितना हो गया, 8 से मेरे साथी कितना हो गया 7, 8 से कितना हो गया ये 7, तो अब मेरे साथी क्या बन जाएगा 12.5%। या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे भाई डे करोगे तो ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अपने आप में यदि मेरे भाई मेन की संख्या को, देखो सीधी बात है, मेन और डे अपने आप में कैसे होते हैं मेरे बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कैसे, आदमी की संख्या बढ़ेगी तो दिन की संख्या मेरे बच्चे अपने आप कम होगी, और आदमी की संख्या कम होगी तो दिन की संख्या अपने आप बढ़ेगी, तो इनवर्सली है। पहले यदि 8 दिन लगते थे तो अब कितने दिन लगेंगे, 7, 8 में से मेरे भाई 7 दिन लगेंगे, ये क्या बन गया 1, 1 दिन कम हुआ है 8 पर, और 1/8 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है मेरे बच्चे, 12.5। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी इसका सही जवाब है। यह देखने में मेरे बच्चे क्वेश्चन अच्छा है, परंतु एक बार पढ़ोगे तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, आसान। आदमी की संख्या बढ़ेगी तो दिन की संख्या कम, आदमी की संख्या कम होगी तो दिन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, अपने आप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसका जवाब बता दें। यूपी कांस्टेबल क्या है ये, 2018 ये 2018, देखो क्या कहा है, सालनी
सालनी अपनी इनकम का एक तिहाई क्या करती है, मेरे बच्चे बचाती है। एक बट्टे तीन का मतलब ये हो गया, एक तिहाई का मतलब एक बट्टे तीन, तीन कमाती है तो एक बचाती है, खर्च कितना करती होगी दो। आगे देखो, यदि उसकी आय एक्स परसेंट बढ़ा दी जाए और खर्च मेरे साथ ही 15% बढ़ाया जाता है तो बचत में 21% की वृद्धि हो जाती है, तो एक्स का मेरे साथ ही मान निकालना है। इस लैंग्वेज का क्वेश्चन परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। कल की जो हमारी क्लास होगी वो लॉस एंड प्रॉफिट पर होगी, एक दिन में एक टॉपिक खत्म, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखो एक बट्टे तीन क्या करती है, मेरे बच्चे बचाती है, तो एक बट्टे तीन बचाती है, बचाएगी कब, जब कमाएगी। तीन रुपए मेरे बच्चे इसने कमाए तो एक रुपए क्या कर लिया, इसने सेव कर लिया, एक रुपए सेविंग कर लिया। तो मैं यहां से एक बात यह कहना चाहता हूं, देखो इधर, यह हो गया मेरे बच्चे इनकम, इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर खर्च प्लस सेविंग, इसका मतलब रेशियो लगा दिया। तो इनकम कितना हुआ मेरे बच्चे, तीन रुपए, तीन रुपए में से एक रुपए बचाया तो साथ ही खर्च कितना किया होगा, दो रुपए। समझ में आ रही है, परसेंटेज का मैटर है मेरे भाई, जीरो का साथ ले लो। यहां 300 कर दिया तो यहां साथ ही कितना होगा, 200, और यहां कितना होगा, 100। अब इसने कहा है इसकी इनकम में एक्स परसेंट की मेरे बच्चे क्या हुआ है वृद्धि, मुझे नहीं पता। खर्च में कितना बढ़ा है, 15%। तो यदि आप खर्च को 15% बढ़ाओगे तो 15% जब बढ़ाओगे तो परसेंट इसे डबल जीरो खत्म, कितना बढ़ा दोगे मेरे बच्चे, 30। इसका मतलब यह कितना बढ़ गया जी, 30 बढ़ गया। तो आप चाहते हो 100, 130 भी कर सकते हो। अब देखो तो इसकी इनकम कितने परसेंट मेरे बच्चे, इसकी सेविंग कितने परसेंट, 21%। तो 100 पर 21 की यदि वृद्धि करोगे तो मेरे साथी कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी पहले के अकॉर्डिंग, 21 की। मैं यह कह सकता हूं पहले 100 था तो अब 121 हो जाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनना, चाहे तो मेरे बच्चे बचत करो, चाहे आप तो बचत करो, चाहे तो आप बचत करो, चाहे मेरे बच्चे खर्च करो, किस पर डिपेंड होता है, इनकम पर। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चे 21 रुपए ये इसने सेव किया पहले के अकॉर्डिंग, ये 30, तो इसने ये जभी तो किया होगा जब मेरे साथी इसने 51 रुपए बढ़ा होगा, इसका क्या सेविंग। ये जो एक्स परसेंट है ना, ये मुझे निकालना था, पहले 300 है तो अब 351 होगा। समझ में आ रही है, ये 21 बचाए, 30 खर्च किए, तो 51 रुपए इसने किए किस पर, इस इनकम पर। अब इसने कहा है कि भाई इसका परसेंटेज बता दो, तो मैं यह कहना चाह रहा हूं सेविंग की आपको क्या बताना है मेरे बच्चे, परसेंटेज, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ है पहले से, मैं यह कह सकता हूं 51 रुपए बढ़ाया पहले से, पहले कितना था मेरे साथी, 300, और इंटू क्या हो गया मेरे साथी, 100। मैं उम्मीद करता हूं यह बात समझ आ रही होगी। तो अब यदि आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 00 से 100 खत्म, और 351 कितने बार जाएगा, 17 बार। 17% मेरे साथी, 17% क्या किया गया होगा, ये इंक्रीज किया गया होगा क्या, इनकम। और यही चीज इसने पूछा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ में मेरे साथी इनको बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका मुझे जवाब बताएं क्या कहा है इसने। ये पूछा गया है यूपी कांस्टेबल 2009 में, बताओ मेरे साथी इसका जवाब। इसने कहा है ए बी से 30% अधिक है, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से मेरे बच्चे कितना 20% कम है, डी ए से 20% कम है, बी इससे 20% कम है, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है। अब इसने कहा है डी ए से 20% कम है, तो मेरे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा क्या बनेगा। अब मेरी बात समझना गौर से, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो ये हो गया जी ए रेशियो बी, सुनना मेरी बात को गौर से, 30% अधिक है ए किससे, बी से, तो 30% की वैल्यू होती है साथी 3/10। यदि ये 10 है ना तो मेरे साथी ये कितना है, ये 13 है। सुनना मेरी बात को, बी सी से 20% कम है तो यहां क्या हो गया जी, ये बी रेशियो सी, ये बी रेशियो सी हो गया। बी सी से 20% कम है तो 20% का मतलब हो गया 1/5। यदि मेरे भाई ये 5 है ना तो ये कितना कम है, एक कितना हो गया, 4। समझ में आ रही है। अब देखो डी ए से 20% कम है, कौन डी, किससे, डी सी से होगा मेरे भाई, ए से नहीं, ये किससे होगा, ए ही दे रखा है, कोई बात नहीं, तो डी ए से, तो ये हो गया जी ए रेशियो डी। क्या कहा है इसने, डी ए से 20% कम है
तो 20% की वैल्यू क्या हो गया, ये 5 है, तो मेरे भाई ये कम है, ये कितना हो गया, 4। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, इसको इक्वल करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वल। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, देखो आपको क्या करना है यहां, अब इसको क्या करना है आपको, इक्वल करना है। तो इक्वल करेंगे आप देखेंगे, यहां देखो यहां बी कितना है, 4। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मेरे भाई आप एक काम करें, इसमें कर दें कितने से गुणा, 4 से, ये 40 हो जाए। या फिर एक काम करें, देखो आप ऐसे करें, ऐसे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां बी की वैल्यू आपको इक्वल करनी है, तो बी की वैल्यू जब इक्वल करनी है तो 2 से यहां गुणा कर दें आप, 20 यहां हो गया। मेरे साथी यहां कितने से गुणा कर दें, 5 से, 20 यहां हो गया। अब वैल्यू कितना हो गया, 13 दूनी 26, 13 दूनी कितना हो गया, 26। विकल्प कौन सा विकल्प सही है, ये 13 दूनी 26 और यहां कितना हो गया, 5। बताओ इसका जवाब, देखो एक काम करें, ऐसे करो, इसे इसको बराबर करना है, एक काम करें, इसमें तो आप 5 से गुणा कर दें, 65 हो गया, ये 65 हो गया, बी की वैल्यू हो गई 50। जब बी की वैल्यू यहां 50 है तो मेरे साथी यहां पर मुझे 50 लाना है, देखो ये तो 50 आपको, यदि मैं ये कहूं कि 12.5 से मैं गुणा कर दूं तो ये 50 मिल जाएगा, और इसके अंदर कितने से गुणा कर दूं मेरे साथी, 13 से। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अब ए की वैल्यू 65, ये वैल्यू 65, बी की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 50 और डी की वैल्यू यहां से आ गई। देखो ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 5 से किया 13 पंजे 65, ये हो गया जी 50। अब 12.5 का गुणा करूंगा 4 में, ये भी 50 हो गया, ये कितना हो गया मेरे भाई, 12 पंजे 60, ये कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 2.5 62.5, ये 62.5 हो गया। और डी की वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, ए की वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, 65, और डी की वैल्यू हो गया 13 चौका 52। अब मेरी बात सुनना, यहां कुछ आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ये चीज कुछ समझ में आ रही है आपके, यहां पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बी डी से 4% कम है, बी डी से 4% कम है मेरे बच्चे, नहीं है। सी ए से 4% कम है, सी ए से 4% कम है, नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं बनेगा। अब बताओ बी डी से 4% अधिक है, बी डी से 4% अधिक है, नहीं, ये होगा डी, ये होगा डी और ये होगा मेरे साथी बी, ये होगा डी और ये होगा बी। तो मेरे साथी बी से डी 4% अधिक है, कौन, डी बी से 4% अधिक है, हाँ मेरे भाई ये बात सही लिख लेगी। 50 इसकी वैल्यू है, 52 इसकी वैल्यू है, तो मैं ये कह सकता हूं 2 अधिक है, किससे मेरे भाई, 50 से, और इंटू मेरे साथी क्या हो गया, 100। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आई होगी, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी, थोड़ा सा मेरे बच्चे टाइपिस्ट का एरर है, इसे सही कर लेना, डी बी से 4% अधिक है, बी की वैल्यू कितना है मेरे बच्चे, 50 और डी की वैल्यू कितना है, 52, डी बी से 4% अधिक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर मेरे साथी 32, इसका मुझे जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा, यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा गया सवाल है, एक व्यक्ति मासिक आय का 22% किराए पर, 40% मेरे बच्चे किस पर खर्च, किराने के सामान पर खर्च करता है, और शेष का 50% शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। यदि मासिक बचत उसकी यदि 3800 रुपए है तो शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च रूप में बताना है क्या हुआ। एक व्यक्ति मेरे बच्चे मासिक, इसमें से 22% और 40% तो मेरे बच्चे खर्च कर देता है ये किस पर, किराए पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इसने खर्च किया एक्सपेंडिचर कितना किया है, 22% किराए पर, उसके बाद मेरे बच्चे 40% घर के खर्च पर। तो मैं यह कह सकता हूं कि 22 और 40
यह कितने परसेंट हो गया जी? 62%। 62% तो मेरे भाई इसने दो चीजों में खर्च कर दिया, बाकी इसने कहा है और रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब हो गया शेष। 62 मेरे भाई यहां पर यह खर्च हो चुका है, यह खर्च हो चुका है 62 यहां पर। रिमेनिंग कितना बचा मेरे बच्चे? रिमेनिंग जो बचा है 62 में से, यदि 100 में से 62 जाएगा तो 38, 38% मेरे भाई रिमेनिंग बच गया। इस 38% में से मेरे भाई 50% शेष के 50% पर अन्य प्रमुखों पर क्या करता है मेरे बच्चे? खर्च करता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं इस रिमेनिंग का 50%, 50% का मतलब मेरे साथी क्या होगा? 1/2। मैं ये कह सकता हूं ये 19% किस पर खर्च करता है मेरे बच्चे? ये 19% किस पर खर्च करता है? अन्य प्रमुख खर्चों पर। किस पर मेरे भाई? शिक्षा और अन्य पर। ये मेरे भाई एजुकेशन, ये एजुकेशन और अदर पर करता है ये। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं तो मेरे बच्चे इसके पास जो बचता है ना वो कितना बच जाता है? शेष 3800। तो 50-60 यहां हुआ 62, 38 बचा, 38 में से 19 हो गया इस पर खर्च। तो मेरे साथी ये बचा कितना? 19%। और इस 19% की वैल्यू कितना दे रखा है मेरे साथी? 3800। अब इसने क्या कहा है? इसने मुझसे ये कहा है कि शिक्षा और अन्य पर कितने रुपए खर्च किए? क्या मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये इसने शिक्षा, ये 19% शिक्षा और प्लस मेरे बच्चे अन्य पर खर्च किया है। और जबकि मैं यहां पे भी देख रहा हूं ये 19% मेरे बच्चे शिक्षा और अन्य पर ही खर्च किया था। तो सीधी बात पूछ ली है, 19% की ही वैल्यू मुझसे पूछा है और 19% की वैल्यू कितना है? 3800। मैं उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर रूप से समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी सी इसका परम सत्य आंसर बनेगा। सामने खड़ी मंजिल इंकित से हमें बुलाती है, मेहनत करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। सफलता उसी को मिलती है मेरे बच्चे जो कंटिन्यूटी तरीका से सच्ची श्रद्धा से मेहनत करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 33 आपके सामने स्क्रीन पर। यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे साथी, इसका जवाब बताएं, इसका जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है, सुरेश ने रमेश से 30% अधिक निवेश किया। मेरे भाई इसने कहा है रमेश ने सुरेश से कितने परसेंट ज्यादा, 30% ज्यादा अधिक निवेश किया। इसने कहा सुरेश ने अरुण जिसने 8000 रुपए का निवेश किया था उससे 40% कम का क्या किया है? निवेश किया है। उन सभी के द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि क्या है? तो देखो इसके निकालने के अनेक तरीके हैं, आप चाहो रेशियो से तो रेशियो से निकाल लें। अब मेरी बात को सुन लें गौर से, एक बात बताओ मेरे साथी, अरुण ने कितने रुपए, इसको देखो मैं ये कह रहा हूं अरुण के रुपए कितने थे? अरुण के पास में थे मेरे बच्चे 8000 रुपए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना थोड़ा सा, अरुण के पास में 8000 रुपए थे। अब सुरेश के पास में अरुण से 40% कम है मेरे बच्चे, 40% क्या है? कम। समझ में आ रही है? तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि मेरे भाई 40% कम है तो सुरेश के पास कितने हैं? सुरेश के पास है 60%। तो मैं यह कह सकता हूं कि भाई अरुण के पास तो हो गए 8000 रुपए प्लस, किसका है? अरुण का। इसके बाद सुरेश के पास में अरुण से मेरे भाई कितने परसेंट कम पैसा होंगे? 60%। 60 का मतलब मैं यह कह सकता हूं कि भाई 40% कम है, इसका मतलब इसके पास में यदि अरुण के पास 100 है तो इसके पास में कितने रुपए हैं मेरे बच्चे? सुरेश के पास 60 रुपए। यहां से यह खत्म कर दिया, ये कितना हो गया मेरे भाई? 4800। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, तो मैं ये कह सकता हूं सुरेश के पास कितने रुपए हैं साथी? 4800। अब क्या कहा है रमेश ने सुरेश से 30% अधिक का रमेश किया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अब कौन आ गया मेरे साथी? रमेश। रमेश ने सुरेश से कितने परसेंट मेरे साथी? 30%। यदि मैं इस 4800 का 30% अधिक का मतलब यह है कि यदि मेरे साथी ये 100 करता होगा तो इसने कितने रुपए इसके पास होंगे? इसके पास 130। ये खत्म हो गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, देखो ये जीरो तो आएगा ही आएगा, अब यदि मैं गुणा करूं ये कितना हो गया मेरे भाई? 24 का 4 हो गया मेरे साथी, कैरी हो गया 2। अब देखो मैं ये कह रहा हूं 8 का 8
और चारती या बारह, चारती बारह और आठ बीस और दो कितने हो गए बाईस, दो कैरी हो गया, ये कितना हो गया चार एकन चार और दो कितना हो गया छह, इसके पास में कितने रुपए होंगे 62। अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुने, अब यदि आप इसको बनाओगे तो इसका जवाब क्या बनेगा 8000 और ये 4000 12800 12800 ये 18000, इसका जवाब बनेगा मेरे भाई 40 दे रखा है, ये बनेगा 1904 1940, इसका जवाब बनेगा इनके मेरे भाई टोटल कितना बनेगा 1940 रुपए ओवरऑल टोटल बन जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी ये सब कुछ बातें आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही हैं तो मेरे साथी क्लास को शेयर करते रहें और थमके बटन को भी दबाते रहें, और मैं उम्मीद करता हूं ये बात सब कुछ आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो क्लास को शेयर करते रहें। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब बता दें क्या होगा, क्या कहा है इसने, इसने कहा है मनोज अपनी इनकम का, मनोज अपनी इनकम का 33% तो मेरे बच्चे खाने पर फूड पर खर्च करता है, उसने अपने वेतन में 1000 रुपए की क्या कर दी मेरे बच्चे, क्या कहा है इसने अपने वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन उसने अपना खर्च मेरे बच्चे नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्चा कम होकर कितना हो गया 27%। कहानी यह है, एक व्यक्ति को मेरे भाई एक व्यक्ति की कुछ इनकम थी, उसने 33% खाने पर खर्च किया, उसने अपने वेतन में मेरे बच्चे उसकी इनकम बढ़ गई 1000 रुपए, परंतु उसने मेरे बच्चे पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया, जिससे मेरे भाई उसका जो खर्चा है वो 33 से कितना हो गया 27। मेरी बात गौर से सुनना, तो मेरे बच्चे प्रारंभिक में उसकी क्या थी इनकम कितनी थी, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे मेरे साथी, पहले कितना था यह 33%, बाद में कितना हो गया 27। मेरी बात गौर से सुनना और बात पसंद आए तो मेरे लाला क्लास को आगे शेयर कर देना। यदि मैं बात करूं आपसे किसकी, तीन से, तीन से काटूंगा तो मेरे साथी यह कितने बार कटेगा 11 बार, और मेरे साथी तीन से काटूंगा तो कितने बार कटेगा 9 बार। सुनना मेरी बात को, क्लियर है बात, एक बात बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं अब मेरे भाई इनकम पर आ जाओ, तो इनकम पर आऊंगा तो मेरे बच्चे ये क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा जी 9:11। पहले यदि इसकी इनकम सपोज करो ये क्या था, ये एक्सपेंडिचर था, ये क्या था मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर, ये खर्च था, ये क्या बन गया मेरे साथी, ये इनकम बन गया, पहले 9 रुपए मिलते थे अब कितने हो गए जी 11। अब एक बात, कितने रुपए बढ़ गए जी इसके 2 रुपए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे साथी 2 रुपए नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 1000, 2 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो साथी 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 500। तो मैं ये कह सकता हूं ये पहली सैलरी के बारे में बात कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितना हो जाएगा 4500। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रूप से समझ में आ रही होगी, पहले थे 4500 अब हो गए 5500, कितना बढ़िया साथी 1000, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है मेरे साथी, इसका मुझे जवाब बता दें कि इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35 का मुझे जवाब बताएं मेरे साथी इसका जवाब क्या होगा। देखो बड़ी सिंपल बात पूछी गई है, देखो क्या कहा है यूपी कांस्टेबल 2019, क्या कहा है इसने मेरी बात गौर से सुनना, इसने कहा है एक मेरे बच्चे कोई इसके पास घोल है जिसमें 49 ग्राम कैसा नमक है मेरे बच्चे साल्ट है साधारण नमक को, 320 ग्राम पानी में मेरे बच्चे घोला गया, घोल में मेरे साथी नमक का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सिंपल बात है मेरे बच्चे, क्या पूछा है इसने साल्ट के बारे में, क्या पूछा है मेरे बच्चे इसने साल्ट के बारे में, साल्ट की परसेंटेज कितनी है। अब इसने ये कहा है कि भाई 49 ग्राम इसके पास में साधारण नमक था, ये हो गया जी 49, कितने पानी में मिलाया गया है 320 में, तो 320 तो मेरे बच्चे ग्राम पानी था, उसमें 49 ग्राम और मिला दिया, ये कितना हो गया 369 ग्राम, टोटल मेरे भाई कितना हो गया मेरे साथी 369 ग्राम हो गया, परसेंटेज में चेंज कर रहा है मेरे बच्चे क्या हो गया 100। समझ में आ रही होगी बात। अब मेरे साथी इसकी कैलकुलेशन करें,
कैलकुलेशन करें इसकी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यह क्या बन जाएगा मेरे साथी, यह बन जाएगा 4900 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी 369। अब कितने से काटू, 3 से, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग दो। तो अब एक बात बताओ, 400 में 369 से भाग दोगे, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 369 हुआ, ये कितना हो गया 70, जीरो बन गया मेरे भाई, ये कितना होगा जी 3। क्लियर है? आगे कितना बन गया जी, ये 369 दूनी पॉइंट हो गया मेरे भाई 2। अब एक बात बताओ, अब यहां पर आप एक बात देखेंगे, आंसर आपको मिल गया मेरे साथी। देखो यहां 13.05 खत्म, ये ग्राम दे रखा है, ये वैसे ही नहीं होगा, ये 11 दे रखा है। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी क्या हो जाएगा, सी 13.28% क्या होगा मेरे साथी, नमक। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से मेरे बच्चे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका मुझे जवाब बता दे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2018 में ये पूछा गया सवाल है, इसका जवाब बता दे मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा। देखो इस समूह में मेरे साथी 10 लड़के और क्या है 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़के, मुझे नहीं पता, कुछ लड़के को जोड़ने के बाद लड़कियों का जो परसेंटेज है ना वो कितने परसेंट कम हो जाता है मेरे साथी, 10% कम हो जाता है। तो कितने लड़के जोड़े गए थे, अब मेरी बात को सुनना, यह बात आपको क्लियर है कि भाई बराबर लड़के हैं और लड़कियां हैं, 10 लड़के 10 लड़कियां, यदि लड़कों की संख्या यदि बढ़ेगी तो लड़कियों की संख्या मेरे बच्चे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लड़के की संख्या लिख लेगी तो लड़कियों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब मैं यह कहना चाह रहा हूं, देखो मैं यह कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई क्या है, देखो ये अपने आप में देखो 10-10 है, तो मैं यह कह सकता हूं क्या जी 50% तो है बॉय, तो 50% क्या हो जाएंगी लड़की, अरे बराबर है मेरे भाई। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ओवरऑल देखो ये बॉय कितने में, बात कर रहा हूं बॉय की, मेरे भाई 10 बॉय है, किसमें से 20 में से, समझ में आ रही होगी बात, 20 में से 10 लड़के, 10 लड़की 10 लड़के 20 हो गया, 20 में से मेरे भाई ये कितने हैं 10 लड़के हैं। अब एक बात बताओ, इसने कहा है मुझसे कि भाई इसमें कुछ लड़के जोड़े जाएं, तो देखो मेरे भाई दो जगह पे चीजें बढ़ेंगी, एक जगह तो देखो लड़के जुड़ेंगे यहां बढ़ेगा, और मेरे साथी एक जगह यहां बढ़ेगा, ये टोटल बढ़ेगा, और ये मेरे भाई कितने परसेंट के बराबर हो जाता है 10%। तो अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये 50% थी कौन, लड़कियां। अब जब ये जुड़े ना, तो मेरे साथी जब ये जुड़े तो लड़कियों की संख्या में 10% की कमी आ गई। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई ये कितना बनना चाहिए 40%। अब मैं इसमें एक्स में कौन सी वैल्यू रखूं का जिससे कि मेरे साथी आपको क्या मिल जाए 40 मिल जाए, कितना मिल जाए आपको मेरे साथी 40 मिल जाए। अब मेरी बात सुनना गौर से, देखो यदि 10 रखा, ये 5 रखा 15, और ये कितना हो गया 25, सुनना मेरी बात को, इनटू किया जी 100, 25 चौका कितने हो गए 100। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं टोटल की बात कर रहा है ये, देखो किसकी बात कर रहा है टोटल की, कि भाई कितने बढ़े। तो अब मेरी बात सुनना, ये कंडीशन बनेगी इसकी, सॉरी ये कंडीशन बनेगी। देखो अब मुझे एक बात बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई आप ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि यह 40% के बराबर आ जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मैंने एक्स की जगह सपोज करो 5 रख दिया, पहले वाला ऑप्शन, जिस ऑप्शन से रख के LHS = RHS आ जाए वो जवाब सही बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे भाई 10/25 और इनटू क्या हो गया मेरे साथी 100। अब यदि आप इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, तो मेरे भाई यहां भी 40% हो जाएगा और मेरे साथी यहां भी 40% हो जाएगा। तो कितने जोड़े गए इसके अंदर, कितने जोड़े गए आदमी मेरे साथी 5, 5 आदमी जुड़ जाएंगे तो लड़का और लड़की कैसे हो जाएंगे 40% के बराबर हो जाएंगे। तो यही चीज तो है कि कितना जोड़ू के LHS = RHS बन जाए, कितने जोड़े हैं मेरे साथी 5। मैं उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर रूप से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर मेरे साथी आपका 37, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है, बताओ इसका जवाब क्या होगा, क्या कहा है इसने। देखो इसने कहा है कि बेड़ू एक फेरी वाला है और वह मेरे बच्चे सप्ते में 7 दिन
क्या करता है, समोसे बेचता है। प्रत्येक दिन वह कुछ दान करने के लिए अपनी आय का मेरे साथी 5% अलग रखता है। औसतन वह मेरे साथी एक दिन में कितने रुपए कमाता है, वह 2000 रुपए कमाता है। तो प्रत्येक 15 दिन में वह दान करने के लिए लगभग कितनी राशि अलग रखता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसने एक बात कहा है कि भाई बेडू एक समोसे बेचने वाला व्यक्ति है और वो हफ्ते में 7 दिन समोसे बेचता है। अब क्या होता है कि जितने रुपए के वो समोसे बेचता है ना, उसमें से 5% वो दान का पैसा अलग रखता है। तो 15 दिन में उसने दान के पैसे कितने अलग रखे, ये चीज मुझसे पूछा गया है। अब मुझे एक चीज बताएं, ये मेरे भाई एक दिन में औसतन कितने रुपए कमाता है, 2000 रुपए। सुनना मेरी बात को, ये एक दिन में कितने रुपए कमाता है मेरे साथी, 2000 रुपए। और इस 2000 में से 5% दान करता है। चीजें समझ में आ रही होंगी? तो आप ये कहोगे कि सर ये एक दिन के अंदर कितने रुपए दान करता है ये मेरे भाई, ये एक दिन में कितना दान करता है ये मेरे भाई, 100 रुपए। 100 रुपए क्या कर देता है मेरे बच्चे, दान कर देता है। वो क्या कर देता है, दान कर देता है। कितने रुपए, 100 रुपए। तो अब मेरे भाई हर एक इंसान ये बता देगा कि भाई 15 दिन में उसने दान कितना किया होगा, 15 दिन में मेरे भाई उसने दान कितना किया गया होगा। तो आप मुझसे एक बात कहोगे, बोले सर एक दिन में 100 रुपए निकालता है दान के लिए, तो 15 दिन के अंदर कितने रुपए निकालेगा मेरे साथी, 1500 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं यह बात क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट मेरे साथी 20 का परम सत आंसर बनेगा। क्लियर है बातें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने स्क्रीन पर, यूपी कांस्टेबल 2009 में मेरे बच्चे पूछा गया सवाल है। क्या कहा है, एक परीक्षा में 272 अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने पड़ते हैं मेरे बच्चे, 64%। 272 अंक प्राप्त करने के लिए 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था परीक्षा में मेरे बच्चे, कितने नंबर थे परीक्षा में, कितने परसेंट नंबर थे। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब यह 64% नंबर लाता है ना, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे साथी 272 के बराबर है। सुनना मेरी बात को, यदि मैं 1% की बात कहूंगा तो आप कहोगे सर 272 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 64। अब एक बात बताओ, परीक्षा अपने आप में कितने परसेंट होती है साथी, 100%। यह कितने परसेंट होती है जी, 100%। अब यहां से आप बना लो, देखो मैं ये कह रहा हूं 4 से यह कितने बार चला गया, 16 बार। 4 से मेरे साथी यह कितने बार गया, 25 बार। सुनना मेरी बात को, अब क्या करोगे, 16 दूनी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 32। एक काम करें, 16 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 से काट लो, चलो 4 चौक कितना हो गया, 16। 4 से काटूंगा तो 4 छिंग कितना हो गया जी, 24। 4 छिंग 24 हो गया, 3 बचा। और 4 छिंग 24 हो गया, कितना बचा, 3। और ये 8 चौक कितने हो गए, 32। क्लियर है? और 17 चौका कितने हो गए, 64। समझ में आ रही है? तो ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 17 × 25। सुनना मेरी बात को, तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 10 करूंगा तो 250 हो गया, कितना हो गया, 250। और ये 250 में आप कितना जोड़ोगे, 175। या फिर आप एक काम कर लो, ये कितना हो गया मेरे बच्चे, 55, ये आपके हो गया 35। ये 7 × 2 = 14 और 5 × 1 = 5 कितना हो गया, 14 × 5 = 19। 14 × 5 = 19 और 3 कितना हो गया मेरे बच्चे, 22। और 2 × 2 = कितना हो गया, 2 × 1 = 2 और 2 कितना हो गया, 4। 425। कितने नंबर की परीक्षा थी मेरे साथी, 425। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आ गई होगी। समझ आ रही है तो क्लास को मेरे बच्चे आगे शेयर करते रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 39 कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है 2009 मेरे बच्चे में। क्या कहा है, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रिक्त कोशिकाएं, लाल रिक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या कितना है, 54,000 है। और यह मेरे बच्चे प्रतिदिन कितने परसेंट से 5% की दर से बढ़ रही है, 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या में कितनी हो जाएगी। तो मेरी बात सुनना गौर से, मेरे साथी लाल रक्त कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितना है फिलहाल में, 54,000। तो 5% की क्या हो जाती है मेरे बच्चे, बढ़ोतरी होती है।
तो 5% का मीन समझ रहे हो 1/20। मेरी बात गौर से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि पहले 20 थी तो बाद में कितनी हो गई होगी 21। समझ में आ रही है? यदि मेरे भाई कितने 2 दिन बाद यदि ये 20 है तो मेरे साथी ये कितना हो गया होगा 21। क्लियर है बात है? अब यदि ओवरऑल में टोटल की बात करूं तो देखो ये तो हो गया 400। समझ में आ रही है? ये हो गया 1, ये हो गया 4, और ये भी क्या हो गया मेरे बच्चे 4। कितना हो गया ये 441। समझ में आ गई बात? कितना हो गया मेरे बच्चे 441। अब एक बात बताओ, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू दे रखी है मेरे बच्चे 400 की, जो वैल्यू है ना ये दे रखी है 54,000 के बराबर। किसके? 54,000 के बराबर। तो एक यूनिट की यदि मैं बात करूंगा तो आप यह कहोगे सर 54,000 डिवाइडेड बाई 400। समझ में आ रही है? तो देखो 00 से 00 खत्म, क्लियर। और ये मेरे भाई 2 से 2 बार, और ये कितना हो गया 70 बार। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना बनेगा 31। एक यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा मेरे साथी 31। एक यूनिट की वैल्यू कितना बन जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू बन जाएगा 135। 135 हो गया। तो रेशियो ये कहता है मैं आजाद हूं, मेरे साथी 135 का इसमें क्या कर देंगे आप गुणा, 135 का आप क्या कर देंगे गुणा। तो देखो ये तो होगा नहीं, ना ये होगा। अब मेरे भाई आपके पास में बचे हैं 2, इसका जवाब बताएं कितना होगा, कमेंट करके इसका जवाब बताएं मेरे साथी कितना होगा, इसका जवाब बताएं कितना होगा। ये बन गया जी कितना, ये 5 हो गया। आगे ये क्या हो गया मेरे भाई, 3 * 3 = 9, 35। 3 * 3 = 9 कितना बन गया 35। 35 हो गया, 5 * 1 = 5, 535 अभी भी बन रहा है। ये कितना हो गया 8 * 1 = 9, और ये कितना हो गया 5। 59,535 ऑप्शन नंबर करेक्ट डी मेरे साथी परम सत आंसर है। कितना बन जाएगा 59,535। ये आपके क्वेश्चन का लेवल है मेरे भाई, एग्जाम में पूछा गया, मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब बताएं। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? कांस्टेबल भर्ती के अंदर 2018 में पूछा गया सवाल है, इसका जवाब बता दें मेरे साथी, इसका जवाब क्या होगा? देखो क्या कहा है, अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है मेरे भाई, उसके खर्च के शीर्ष निम्न लिखते हैं, 30% मेरे बच्चे खरीद में, 40% सिलाई भुगतान के लिए, 30% किराए और बिजली पर। यदि उसका कुल खर्च मेरे बच्चे कितने रुपए का है, 50,000 रुपये प्रतिमाह है, तो उसने दर्जी को भुगतान करने में कितना पैसा दिया? तो मेरे साथी एक बात बताओ, दर्जी को उसने मेरे भाई सिलाई के लिए ही तो दिया होगा, और दर्जी के लिए कितना दिया है मेरे बच्चे 40%। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे टेलर की या दर्जी की, दर्जी को इसने मेरे साथी कितना पैसा दिया? तो एक बात बताओ, पैसा कितना खर्च किया ओवरऑल 50,000। सुनना मेरी बात को, और दर्जी के लिए कितने परसेंट दिया है 40%। सिंपल था मेरे भाई, आपको सिर्फ इसे सोल्व ही करना था, परसेंटेज हटाया मेरे बच्चे 00 हो गया, 00 से 00 खत्म हो गए। 5 * 4 कितना हो गया मेरे साथी 20। कितना रुपए दिया था मेरे साथी 20,000 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको क्लियर रूप से समझ आई होगी। समझ आई है तो मेरे बच्चे क्लास को शेयर करते रहे, थैंक यू क्लास। यदि आपको यह लगता है कि भाई डेविड सर का पढ़ाने का तरीका, डेविड सर का कंटेंट, डेविड सर का सीक्वेंस यदि आपको पसंद आता है तो मेरे बच्चे क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, कमेंट कर भी बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लग रही है। जो मेरे प्यारे साथी, जिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कैरियर क्राफ्ट की प्रत्येक सुविधाएं आप तक ये पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं ये सब कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कल की क्लास लॉस एंड प्रॉफिट की महत्वपूर्ण क्लास होगी, यूपी पुलिस के एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं आज अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।